वंदना उन्हीं की करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उन्हीं की करे जिनसे दिशा हमको मिली, नित मानवीय मार्ग की पथ मिला, निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उन्हीं की करें जिनका है चिंतन सुबह यही, कैसे हो मानव सुखमयी, प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी, श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उन्हें की करे सबके सुख की कामना, ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे से मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना, योजना, पूजता उन्हें हेतु जिनसे है सुसज्जित व सुंदरा, पूजता उन्हें हेतु जिनसे है सुसज्जित व सुंदरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे, करें वंदना उनकी करे। करें वंदना के बाद आता है अर्चना, उसके बाद आता है स्तवन। नवदा भक्ति सूत्र का प्रथम चरण है वंदना। जब आंतरिक उपासना संभव नहीं हो या उसकी योग्यता नहीं है तो भय वंदना करते हैं, फिर अर्चना मानसिक अर्चना, फिर स्तवन उस देवी देवता को पूजा करना। उसकी इक्विवेलेंट श्रवण विधि से करेंगे तो वंदना अर्चना स्तवन श्रवण है, क्योंकि वह काल्पनिक अर्थों के साथ है, यहाँ सहस्तित्व के अर्थों के साथ। उपासना में आ जाएंगे तो फिर वो मनन में आ जाएगा, अंदर आ जाता है। उपासना का कोई भाग सामीप्य सालोक, मतलब साक्षात्कार आ गया तो समीप हो गए, अवधारणा हो गया तो सालोक्य हो गए, बोध तो सामीप्य हो गए, अनुभव हो गया तो सायुज्य हो गए।
अभी हम लोगों को गाना सारा याद करना पड़ेगा वंदना का, उसके बाद आगे का बनेगा, ऐसा है क्रम। तो कल श्रवण में एक चीज है कि सूत्रों में अंतर संबंध, ये बहुत सारी चीजें जो इसमें है स्वाभाविक रूप से हम करते ही हैं। मतलब दर्शन में जो लिखी गई वस्तु है उसको समझने जाएंगे तो ये होगा ही। तो मेरे साथ तो ये था कि करने के बाद फिर पता चला कि इसको करना पड़ता है, तो फिर उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। और ऐसे ही मुझे लगा कि दर्शन की अध्ययन की परंपरा में एक भाग है कि पुस्तक पढ़ के उस पर सोच विचार करना, पर आगे की यात्रा अध्ययन विधि में क्या होगी, ऐसा लगता था कि इसको कुछ स्ट्रक्चराइज करने की आवश्यकता है। तो वो जो नोट्स हैं लगभग इसके साथ 1:1 मैपिंग है, इसकी कोई पार्ट उस नोट्स में आपको मिलेंगी, ये मतलब एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, पर श्रवण में कुछ चीजें लिखी हैं मनन में, तो आप उसको देख सकते हैं। और ये प्रथम चरण है, फिर इसको प्रैक्टिकल जीने में जब हम करने जाएंगे उसकी थोड़ी सी अलग चर्चा होगी, चाहे तो हम अभी करें। जैसे इसमें उत्पादन श्रम ये सब लिखा है, अभी हम श्रम करने जाएंगे तो उसमें कीड़ा लगेगा, फर्टिलाइजर डालें कि नहीं डालें, कहाँ बेचें, कैसे बेचें, है ना। व्यवस्था में भागीदारी इसमें लिखता है तो हमने पढ़ लिया, व्यवस्था में करने जाता तो व्यवस्था में चोर डाकू बैठा है उसके साथ क्या भागीदारी कहेंगे, है ना। या स्कूल में भागीदारी करेंगे तो उसको क्या स्वरूप होगा, फिर उसका हमारे अध्ययन से क्या तालमेल बनेगा, ये सब नेक्स्ट लेवल की डिस्कशन। उसकी थर्ड लेवल की डिस्कशन है कि इसको हम करना शुरू कर दिए एक जगह तक चले गए, उसके बाद साक्षात्कार यदि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए फिर क्या चर्चा होगी, साक्षात्कार और अवधारणा, ऐसे कम एक मोटा मोटी डिफिकल्टी लेवल में देखेंगे तो सिंपल मीडियम कॉम्प्लेक्स के रूप में यह है। इसमें सिंपल और मीडियम तक की बातें की गई है, एंड मीडियम हायर मीडियम एंड कॉम्प्लेक्स वाला इसमें नहीं है, वो डेवलपमेंट स्टेज में है, आवश्यकता पड़ने पर हम करेंगे। अच्छा आप लोग इधर आ गए तो कोई मिसिंग नहीं है ना, ठीक। तो एक जो प्रधान बिंदु है जो दर्शन, तो कल पहले हमने कल ये देखा थोड़ा सा कि शब्दों को छांटने से मुझे जो सुविधा मिली और आपके लिए सुझाव है, चाहे तो इस सीरीज से आप करके देख सकते हो, कि जो कोर कंसेप्ट है पहले हमारी उस पर क्लैरिटी हो जाए अध्ययन करने में, वो स्थिर होने से आगे की चीजें उसमें जुड़ती है। इसमें भले ही ये थोड़े समय के लिए ये लगेगा कि हम आगे वाली चीजों को या तो सोच नहीं पा रहे या कर नहीं पा रहे, शास्त्र विधि से यहां से मतलब ये वाली जो चीजें हैं, जैसे हम समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व है ना, प्रतिभा व्यक्तित्व में संतुलन, ये सब मनुष्य को अपील करता है, किसी भी आदमी को अपील करेगा। हम बाहर जाके ये सब बातें करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को अपील करेगा, लेकिन इसका आधार क्या है ये स्पष्ट नहीं होगा। आधार फिर जीवन में जागृति और अस्तित्व में जो वस्तुएं हैं उनको समझने के आधार पर है। तो ये एक समझने और शोध करने का एक प्रस्तावित क्रम है, और इसमें यह है कि एक में जाएंगे तो उसके बाद दूसरा खुलेगा, दूसरे में जाएंगे तो तीसरा खुलेगा, तो ऐसे लिंकिंग रूप में लिखा गया है दर्शन। कुछ लोग उसको झेल लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि खोपड़ी घूम गया है ना, फिर कहां से मैं ये करूं, दोनों ही होगा, क्योंकि हम जिस वस्तुओं को समझने जा रहे हैं या चित्रित करने जा रहे हैं ये एक पूर्ण जागृत जीवन का चित्रण है, और हम इधर से आ रहे हैं, है ना, हम इधर से जड़ से ऊपर और वो ऊपर से नीचे, तो फिर वो मैच ही नहीं होगा, हमारा सोचने का विधि और वो सोचने का विधि मैच ही नहीं होता है, इसीलिए वो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। हम एक चीज एक कंसेप्ट में हाथ डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाता है, ये चीज रहेगी और वो ठीक है, उससे परेशान मेरे अनुसार नहीं होना चाहिए। यदि समझने की जिज्ञासा हो तो उसको हम पार करके आगे जाएंगे। तो ये तात्विक स्तर के वस्तुओं पर, जैसे परिभाषा संहिता है तो परिभाषा संहिता में मान लेते 200 या 300 या 500 शब्द हैं, सभी को हम एक ऑप्शन है कि एक व्यक्ति सभी को एक साथ रट लेता है, सोच लेता है, लेकिन उसके बीच की अंतर संबंध स्पष्ट नहीं होने से उन परिभाषाओं या शब्दों या उनसे इंगित अर्थों या वस्तुओं का प्लेसमेंट भी नहीं आएगा, एक भाग का आएगा कि दूसरा वाला टूटा रहेगा, है ना। हमने एक बहुत बड़ी एक
डिजाइन बने, उसकी कुछ कुछ भाग छेद होंगे, फिर कुछ टूटा फूटा रहेगा, तो फिर हम और किसी सूत्र में या कभी किसी को बताने जाएंगे वो फूटा हुआ बाहर निकलेगा, तो इनका अलग इनका अलग इनका अलग ऐसा आएगा। तो ये सारी चीजें रहेगी शास्त्र अध्ययन वाले स्टेज में। कुछ भाग सभी लोग एक जैसे बोलेंगे, कुछ स्तर के बाद वो अलग अलग हो जाएगा। तो इस विधि से यदि हम तत्व संबंधी वस्तुओं पर पहले अपने शोध को अधिक फोकस करें, ऐसा नहीं कि बाकी को नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ने में आएगा ही, इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो अवलोकन बुक है, वो जो अध्ययन बिंदु वाला जो है इनके पास अभी प्रिंट आउट, और उसका उद्देश्य ये भी था कि जो अध्ययन बिंदु शिविर हम लेते हैं वो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो जाए बाबा जी के टर्म्स में, क्योंकि अध्ययन बिंदु तो 44 बिंदु है। फिर इसमें मैं जीवन क्रिया में चित्त को एक विधि से बताया, इन्होंने कुछ बताया भ्रम को, इन्होंने कुछ, थोड़ा सा भेद हो जाता है, तो उस स्टेज के लिए भी है। और जब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो एक प्रकार से प्रारंभिक निचोड़ है पूरे दर्शन का, प्रारंभिक निचोड़ है, फुल निचोड़ तो बाबा जी लिखे है ना, हमको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, वो अनुभव दर्शन है, वो फिर एक लाइन है, अनुभव दर्शन के फर्स्ट पेज में खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो ये इस विधि से हम इस पे बढ़ सकते हैं। ये शब्दों वाली बात को हमने कल, हमने मतलब मैंने बोला, सभ्य भाषा में बोलेंगे हमने देखा बताया ना, हिमाचल में एक शिविर ले रहा था तो मैं बोला लाइक वी वर डिस्कसिंग, तो जो अंग्रेजी उसने हाथ उठाया बोला वेर आर वी डिस्कसिंग, यू आर टॉकिंग, है ना, डिस्कशन का मतलब गोष्ठी नहीं है शिविर। दूसरा है सूत्रों में अंतर संबंध, तो कुछ एग्जाम्पल्स लिए, उदाहरण लिए, जैसे रूप गुण स्वभाव धर्म। तो पहले रूप के परिभाषा को हम समझे, रूप का मतलब इकाई, बिंब को इकाई, तो किसी बिंब से किसी इकाई को पहचानते हैं इसका नाम रूप। इकाई के स्तर पर रूप परिभाषित होती है आकार आयतन घन के रूप में, और इकाई के स्तर पर उसमें भेद होगा, है ना, तो प्रत्येक मानव के रूप समान होते हुए भी उसमें जो भेद है ये रूप के स्तर पर है। तो ऑर्गन्स या एक्सटर्नल ऑर्गन्स के रूप में तो दिखता ही है, दो आंख है, चार आंख वाला आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ, या एक आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ उसकी आंख पीछे है, तो सिमिलैरिटी है, एट द सेम टाइम भेद है। गुण को देखेंगे तो जाति या प्रजाति के स्तर पर परिभाषित है, ठीक, जैसे नीम की एक जाति है फिर उसकी एक प्रजाति भी होगी, आम एक जाति है उसके प्रजाति है ना, फिर उसके अलग अलग माइंड, जैसे अभी बायोलॉजी में भी पहचानते हैं, ये गुणों के स्तर पर है। गुणों को जो परिभाषा है सम विषम मध्यस्थ के रूप में बताया गया है, उसमें से सम और विषम ग्राह्य होता है, मध्यस्थ समझ में आता है, सम और विषम का प्रभाव समझ में आता है। तो ये हमारे लिए एक अध्ययन का एक मुद्दा बनता है सोचने का। अध्ययन का मतलब हमने उस परिभाषा को लिया, उस पर कुछ मंथन किया, वो मंथन को अभी हम मनन मानते हैं, एक्चुअली वो मंथन क्या है, ये जो अनक्लियर चित्र है उसको खोलने के लिए हमारा प्रयत्न है। जाति एक शब्द है या गुण एक शब्द है, तो समगति, सम का एक परिभाषा, तो उसको मैंने सुन लिया, सुन के वो क्या है वस्तु के रूप में वो क्लियर तो होता नहीं, उसको खोलने के लिए मैं अपना बुद्धि लगाऊंगा। यदि वो जड़ संसार, फिर मैं उसको जड़ संसार में पहचानने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि वो सबसे सरल है। फिर मनुष्य में गुणों को मैं पहचानने का प्रयत्न करूंगा। मनुष्य में दिक्कत है कि अनिश्चितता है, है ना, एक टाइम से आता है, एक टाइम से नहीं आता, एक आता ही नहीं, तो इसमें क्या गुण आप पहचानोगे, इतने पता चलेगा कि गुण है और अनिश्चित है, तो इसीलिए फिर प्रकृति में गुणों को पहचानना सरल पड़ता है। इसीलिए जो वैज्ञानिक होता है उसको किक मिलता है क्योंकि वहां पर स्थिरता दिखती है उसको, और सोशियोलॉजिस्ट जो है परेशान होता है क्योंकि उसको दिखता ही नहीं कुछ और, वो देखना चाहता है निश्चितता। स्वभाव को उपयोगिता, प्रयोजन या गुणों की उपयोगिता को स्वभाव कहा है। तो स्वभाव के अलग अलग परिभाषाएं हैं, परिभाषा संहिता में कुछ है, कुछ मानव व्यवहार दर्शन में है, उसको हमको इकट्ठा करना पड़ता है। इस जो संकलन है इसमें अंत में इसमें जो भी शब्द प्रयोग हुए हैं उनके परिभाषाओं को उस समय मैंने जो इकट्ठा किया उसको यहाँ टाइप कर दिया है और उसको आप देख सकते हैं। उस पर कॉन्सेंट्रेट करके मन लगा के उसको पढ़ के शोध करना पड़ेगा, वो शास्त्र अध्ययन का ही भाग है। फिर धर्म है ना, तो होने को धर्म कह रहे हैं या अस्तित्व को धर्म कह रहे हैं, तो धर्म का तात्पर्य क्या है। फिर इन चारों में अंतर संबंध, ये रूप गुण स्वभाव धर्म क्या है, इकट्ठा मिलके फिर वो कैसे दिखता है। फिर इसका नेक्स्ट को
कोरिलेशन कैसे बनाएंगे, इसमें और न्याय धर्म सत्य में अंतर संबंध क्या है, ऐसे क्रम से चलेगा। तो जब हम अध्ययन करेंगे हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से किसी मुद्दे पर हमारा ध्यान जाएगा तो उसके अनुसार हम उसको बनाएंगे, ये होगा ही, है ना। तो एक हो गया। दूसरा फिर जैसे स्थिति और गति की स्पष्टता, ये एक मुख्य मुद्दा है समझने के लिए। यहां टेलीस्कोप जैसे दिखा है, जैसे कई बार ये स्थिति गति को लेकर हम स्टक अप हो जाते हैं। तो जैसे ये धर्म है ना, धर्म में स्वभाव समाया है, स्वभाव में गुण समाया है, गुण में रूप समाया है, अर्थ के रूप में ऐसा है। वस्तु के रूप में देखेंगे तो रूप सबसे बड़ा दिखता है, स्थूल है ना, गुण उससे सूक्ष्म है, स्वभाव उससे अति सूक्ष्म है, धर्म उससे अति सूक्ष्म है, लेकिन वस्तु के रूप में ऐसा है। इसीलिए जब धर्म कह रहे हैं तो उसमें स्वभाव गुण और रूप समाया है। यदि रूप कह रहे हैं तो उसके मूल में गुण स्वभाव धर्म अटैच्ड है ही। तो हमारे जीवन में जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करने की जो ताकत है वो चित्त के चित्रण क्रिया में है। बाय डिजाइन जागृति के क्रम में हम इंद्रिय गोचर विधि से देखने के अभ्यस्त है हमारा चित्त, इसीलिए चीजें कटी कटी दिखती है ना। हाँ, अलग अलग लगेगी। इसीलिए कोई यदि बढ़िया, यदि मैंने डब्बे बना दिए, अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण, एरो है ना, राइट एरो, अखंड समाज, अप एरो, शिक्षा, लगता है सब समझ में आ गया। वो क्या समझ में आया, वो क्योंकि चित्रित हुआ, उसी से हम अभी चीजों को ग्रहण करते हैं। तो दर्शन के वस्तुओं को चित्रित करने के लिए इससे प्रारंभ करते हुए उसके मूल वस्तु को फिर उसकी जो कॉम्बिनेशन है, उसके जो अंतर संबंध है, वहां तक पहुंचना पड़ता है। तो यह स्थिति गति स्पष्टता। तो उदाहरण के रूप में व्यापक स्थिति में है ना, धर्म गति में है, ठीक, धर्म स्थिति में है तो स्वभाव गति में है, धर्म और स्वभाव स्थिति में है तो गुण और रूप गति में है, धर्म स्वभाव गुण स्थिति में है तो रूप गति में है, ऐसा दिखेगा। मानव स्थिति तो उसका व्यवहार गति। हाँ, तो स्थिति गति यूजेज जो एक एरर होता है पढ़ने पढ़ते समय, उसको फिक्स कर देते हम कहीं, क्योंकि हम भौतिक चीजों से फिक्स्ड हैं। जैसे ये कमरा है, इस कमरा का स्थान फिक्स्ड है। अब मैं बोल दूंगा ये कमरा आप कहां से देख रहे हो, उसके अनुसार फिक्स होगा, तो बड़ा प्रॉब्लम है वो, रिलेटिविटी की प्रॉब्लम है वो, ठीक है। तो हम फिक्स करना चाहते हैं, उसमें एरर क्या हो जाता है, अस्तित्व ऐसा नहीं है, मतलब उसको देखने के जब हम जाएंगे या उसकी जो संप्रेषणा है, जो व्याख्या है, जैसे मानव का परिवार स्थिति, तो गति क्या बनेगा, मानव परिवार स्थिति में है, गति क्या है, मानव परिवार है समाज या समूह गति, ठीक है ना। एक परिवार में एक मानव स्थिति में, तो गति क्या है, वो परिवार है। एक मानव में जीवन स्थिति, गति क्या है, मानव और व्यवहार, जीवन में आस्वादन स्थिति, और गति क्या है, चयन, ठीक है। फिर कल्पनाशीलता गति स्थिति में क्या है, चिंतन बोध अनुभव, समझ में आता है। तो किसी एक रेंज को जब हम देखते हैं तो वो गति है, उसके मूल में कोई वस्तु स्थिति में मिलेगी। अंतिम चीज फिर हम आएंगे कि बुद्धि यदि गति में है तो स्थिति में आत्मा का अनुभव क्रिया है, और आत्मा क्रिया अपने में गतिशील है, अनुभव क्रिया, तो स्थिति में क्या है, व्यापक वस्तु मिलेगा। यहाँ आके खत्म हो जाता है, समाप्त। अंतिम स्थिति व्यापक वस्तु की है, क्योंकि उसमें कोई गति, तरंग, दबाव कुछ नहीं। ठीक, एक फिर जो स्थिति में है वही गति में व्यक्त होगा। मेरे में यदि समझ है तो व्यक्त होगा, नहीं है तो नहीं होगा। मैं ट्राई कर सकता हूं, जाएगा नहीं। जैसे मुझे आपको जागृत करना है, मैं स्वयं जागृत हूं तो आप कैसे जागृत हो सकते हो, उसके लिए मैं रास्ता बना सकता हूं। मैं स्वयं अभी जागृत नहीं हुआ हूं और आपकी जागृति के यदि मैं प्लानिंग शुरू कर दूं तो हो पाएगा,
होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मैं जहां तक पहुंचा हूं उसके एक स्टेज पहले तक ही मैं प्लान कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने स्टेज का ही दृष्टा नहीं हूं। मैं जिस स्थिति में हूं उसके एक स्टेज पहले तक ही आपके लिए प्लानिंग कर सकता हूं ना। मैं एडी पीएचडी हूं, आपका एमटेक में तक या मास्टर्स तक का मैं प्लान बना सकता हूं। आपके पीएचडी को प्लान करने के लिए मेरे को पोस्ट डॉक करना पड़ेगा, ऐसा है। तो ये स्थिति गति, ये डीजल का गंदा रहा है ना अंदर है, डीजल का वो जो एक टूट टूट छोटे चैप्टर चल रहा है ना उसका आ रहा है, उसमें केरोसिन मिक्स स्मेल आ रहा है। तो फिर इसको तीसरी विधि से बताया है, अनेक भाषा को एक ही अर्थ में एकत्रित करना या केंद्रकृत करना है ना। सारे सूत्र एक ही वास्तविकता को कैसे इंगित कर रहे हैं इसके शोध में जाना। तो श्रवण बिखरने के लिए नहीं है, पहले बिखरा हुआ रहेगा, जब पढ़ेंगे तो बिखरा हुआ है, वो श्रवण होते होते सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस होते होते मनन में कंडेंस्ड मिल्क जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद का कल्पना छोड़ देता हूं, साक्षात्कार में क्या होगा। जी आप कुछ कहने वाले? नो, योर पेन इज इन एन एनक्वायरी पोजिशन, सो आई थॉट यू आर आस्किंग समथिंग। ओके, तो ये मूल जो मैंने मेथड अपनाया वो ये है कि साक्षात्कार की जो वस्तु है उससे पीछे वर्क करना, क्योंकि वो डेस्टिनेशन है। चित्त में साक्षात्कार की वस्तु यदि क्लियर होती है तो बाकी का ज्ञान दर्शन का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बाबा जी से जो सुना था कि भाई साक्षात्कार में क्या होता है, रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में साक्षात्कार होता है, तो इसका परिभाषा, इनमें अंतर संबंध, इसका शोध, जो मूल जो एंट्री पॉइंट है वो ये है। फिर तुलन में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि है, ठीक। तो न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, फिर ये दृष्टि के रूप में क्या है, फिर ये भाषा के रूप में देखेंगे तो इसमें अंतर संबंध क्या है। रूप गुण स्वभाव धर्म और न्याय धर्म सत्य एक ही वस्तु को इंगित कर रहे हैं ना। तो न्याय को यदि देखेंगे तो गुण और स्वभाव के जॉइंट के रूप में न्याय आता है। ये जो धर्म है यहाँ मनुष्य की जो दृष्टि के रूप में दिया है न्याय धर्म सत्य, ये एक्चुअली स्वभाव और धर्म के योगफल में मिलता है, और सत्य जो है धर्म और सत्य जुड़ा रहता है। तो मनुष्य को इकाई के रूप में सोचेंगे तो उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म है, उसमें शरीर का एक रूप गुण स्वभाव धर्म है, जीवन का रूप पूंजाकार के रूप में गठन पूर्ण परमाणु के रूप में और 10 क्रियाओं के अविभाज्य रूप में है, जीवन का एक गुण है, ठीक है ना। फिर जीवन और मानव के रूप में उसका स्वभाव है, केवल शरीर का स्वभाव, जैसे आपका शरीर का स्वभाव पित्त प्रकृति है और मानव के रूप में आपका स्वभाव स्नेहिल है, तो ऐसे अध्ययन। और धर्म जो है शरीर का अस्तित्व धर्म तथा भौतिक रासायनिक रचना धर्म है, मानव का धर्म सुख धर्मी है, जीवन का धर्म ज्ञान है। फिर मानव में न्याय धर्म सत्य जो दृष्टि बताई जा रही है, इन दोनों में फिर अंतर संबंध क्या है, क्योंकि दोनों एक ही वस्तु है, अलग नहीं है। तो कई बार ऐसा लगता है कि नागराज जी एक ही से बोल के तृप्त हो जाते, भैया ये 5, 6, 7, 15 जगह से बताने की आवश्यकता क्यों थी। वो इसीलिए बताया है, जो मेरा बनता है कि ऐसे बताने से फिर हम उसको अलग अलग चित्रित करके हम मान लेंगे कि हम समझ गए, उसको जब ज्वाइन करने जाएंगे वो जुड़ेगा नहीं। तो न्याय धर्म सत्य और रूप गुण स्वभाव धर्म में अंतर संबंध क्या है। फिर एक सूत्र मिलता हमको, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य, ठीक। तो अब फिर इन तीनों को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे कि इन तीनों में अंतर संबंध क्या है, ये अलग अलग तो नहीं है, उसी वस्तुओं को अलग अलग आयाम से वो बता रहे। तो श्रवण के पहले स्टेज में क्या होगा, वस्तु स्थिति सत्य का परिभाषा क्या, इसका परिभाषा क्या, इसका परिभाषा क्या है। फिर ये तीन का एक सेट है ना, फर्स्ट स्टेज अलग अलग परिभाषा, सेकंड सेट, सेकंड स्टेज उसका जो सेट है उसमें अंतर संबंध, थर्ड स्टेज ऐसे मल्टीपल दो में, फिर सारे में, फिर इसके दो दो के कॉम्बिनेशन में,
वन एंड थ्री का कॉम्बिनेशन, वन एंड टू का कॉम्बिनेशन, टू एंड थ्री का कॉम्बिनेशन, वन टू थ्री का कॉम्बिनेशन, इससे बनेगा अपना घोल, इडली का घोल। नहीं तो ये दाना दाना रहेगा अलग अलग, कोई पूछने से बता देंगे, न्याय धर्म सत्य क्या अलग से बता देंगे, रूप गुण स्वभाव धर्म अलग से बता देंगे, वस्तु स्थिति सत्य अलग से बता देंगे, बट जुड़ के वस्तु के रूप में क्या है वो हमारे इंक्वायरी से या शोध से होना है ना। मतलब मेरे बोलने से तो नहीं होगा हमको, और ये समय लगता है क्योंकि बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, समय स्थिर हो जाएगा। फिर हम किसी और को सुनेंगे और किसी विद्वान को सुनेंगे, आपके साथ वाले लोग सब विद्वान ये मानना पड़ेगा, ठीक। और किसी विद्वान में संकेत भैया को सुनूंगा, सोम को सुनूंगा, अच्छा ये सत्य को तो ऐसा बोल रहा, मैं तो ऐसा सोचा था। तो अध्ययन करते समय पुस्तकों को पढ़ने के साथ एक राउंड दो राउंड आपका हो गया, फिर आपको संगति की आवश्यकता लगेगी। ये स्वयंस्फूर्त विधि से ही होगा, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, हम बोलेंगे आपको तुम ए में चले जाओ, तुम बी में चले जाओ, जो हो रहा हम लोग खुद मिलके, चार आदमी मिलके बोलते हैं मैं सम्मेलन करूंगा, तीन आदमी मिलके बोलता है मैं दुकान चलूंगा, चार आदमी मिलके बोलता है मैं पुस्तक छापूंगा, ऐसा चलता है और आपस में बातचीत चलती रहती है। तो यहाँ से जाने के बाद जब आप लोग अपना स्व अध्ययन वगैरह कर लोगे अपने ही बैच के या इसके पूर्व के बैच के और उसके पूर्व लास्ट थ्री बैचेस को जोड़ के ग्रुप बना लो, उसमें एडवांटेज क्या है, आपके पहले से चला हुआ आदमी आपको हाथ लगेगा। बहुत यदि बहुत पहले जो चलने लग गया उससे यदि बात करोगे उसके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो और कुछ चीजें कर रहा है, वो रोज एक दो घंटा नहीं निकाल सकता है। फिर साल में एक बार ऐसे किसी व्यक्ति को बुला के उनके साथ कि हम साल भर से ये तीन बैच मिलके ये गोष्ठी किया, हमको लगता है न्याय धर्म सत्य का ये मतलब है, आपको क्या लगता है, ये वैलिडेशन कराया, ये प्रक्रिया है। हाँ, इसमें आइडियली एक जागृत व्यक्ति रहने चाहिए, अभी नहीं है, कभी आएंगे तब उनके साथ करेंगे, तब तक तो यही है। यदि अनिवार्यता स्पष्ट होता है अध्ययन का तो उसको हम पहले दिन क्लियर कर लिए, ठीक। तो फिर चौथे में देखेंगे तो एक पांच सूत्र बोल के बाबा जी बोलते हैं, सहस्तित्व, सहस्तित्व में विकास कम विकास, जागृति कम जागृति। तो फिर ये स्थिति सत्य है कि वस्तुगत सत्य है कि वस्तु स्थिति सत्य है, इसमें फिर रूप गुण स्वभाव धर्म क्या है इसका, और न्याय धर्म सत्य दृष्टि या न्याय धर्म सत्य जो सूत्र, इसमें अंतर संबंध क्या है, ये नेक्स्ट इंक्वायरी होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, ये सब अलग अलग है कि एक ही है, क्या लगता है। ये स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य और विकास कम विकास, जागृति कम जागृति, सब अलग अलग वास्तविकताओं को बता रहे हैं कि एक ही वास्तविकता को बता रहा है ये सेट, थ्री एंड फोर एक ही अलग अलग या एक ही के अलग 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 अलग, तो ये एक अलग दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है, अलग अलग स्वरूप है, वो अलग अलग स्वरूप कैसा है और एक कैसा है, ये शोध है, यही शास्त्र अध्ययन में होना है। ये यदि सेट होता है आगे आपको फिर संस्कृति सभ्यता वो सब में कठिनाई नहीं आएगी। ये यदि सेट होता है, ये हम तात्विक वस्तु के शोध से शुरू किए ना, यदि आप वो जो कैटेगराइजेशन था शब्दों का यदि नीचे से शुरू करेंगे कि प्रबुद्धता और संप्रभुता में रिलेशनशिप क्या, इधर से शुरू करोगे कर सकते हैं, बट उसमें भाषा में फैल जाएंगे, वस्तु तो ये है ना, इस वस्तु का वो एक्सप्रेशन है। जैसे जीवन में बोध समझ में आने से प्रबुद्धता स्पष्ट होगी, बिना बोध कोई सोचे यदि मैं चार साल से सोच रहा हूं कि प्रबुद्धता क्या है, प्रबुद्धता हाथ लगेगा, या व्यक्तित्व और क्या है प्रतिभा में संतुलन समझ में आएगा, वो भास होगा यार, हाँ व्यक्तित्व और प्रतिभा में संतुलन तुझे क्या मतलब है उसका, व्यक्तित्व का मतलब क्या है, आहार विहार व्यवहार बराबर, ठीक है आहार विहार, इसमें संतुलन का मतलब क्या है, आहार और विहार में संतुलन का मतलब क्या है, विहार और व्यक्तित्व में संतुलन, ये नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जब तक ये स्थिर नहीं होता नहीं मिलेगा। तो वहां से शुरू करेंगे तो दर्शन आपको फोर्स करेगा इधर आने को, उससे तृप्ति नहीं बनेगी, तर्क रूप से भी तृप्ति नहीं बनेगी, व्यवहार रूप से भी तृप्ति नहीं बनेगी, संप्रेषण रूप से भी तृप्ति नहीं बनेगी, नहीं बता पाएंगे आप, फंस जाएंगे, ठीक है।
तो कुल मिलाकर ये सब शोध करना है, अभी हम बोर्ड पे तो नहीं कर सकते, ये एक एक पे दो दो घंटा लगेगा, तो ये आपको करना है। तो फिर और एक सूत्र मिलता है, यथार्थता वास्तविकता सत्यता। इसमें और वस्तुगत सत्य वस्तुस्थिति सत्य में क्या अंतर संबंध, सब सत्य सत्य दिख रहा है ना, यथार्थता वास्तविकता सत्यता भी सत्य है, स्थिति सत्य भी सत्य है, इधर भी एक न्याय धर्म सत्य है। ये भाषा की स्ट्रक्चर है, ये इसके मूल में कोई वस्तु है, ये कोर है, ये जो छह है ध्रुव, ये आपको लंबा ले जाएगा। किस जड़ को यदि पकड़ लेते हैं कि इसको मुझे सॉल्व करना है, तो काफी क्लियर हमारा पाथ बनेगा दर्शन की ओर। नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, परंतु वो चीजें फिर आगे नहीं जा पाती है। ठीक है, जैसे इसने मैंने एक सॉल्यूशन सुझाया, भाई यथार्थता बराबर स्वभाव, रूप बराबर वास्तविकता, धर्म बराबर सत्यता, इससे इंगित है। बट केवल इतने में नहीं होगा, इसकी परिभाषा को हम पढ़ेंगे। वास्तविकता का मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म का अविभाज्य वर्तमान, ऐसा आएगा। ठीक, फिर वस्तुगत सत्य का परिभाषा क्या है, याद है? नहीं याद है, ठीक है, वही स्मरण शिविर का मतलब हम शब्दों को सुने हैं, याद नहीं रहेगा, कुछ कुछ याद रहेगा, जैसे इनको कुछ याद रहता है, इनको कुछ याद, याद तो आगे होगा जब आप उसको पढ़ोगे। ये प्रवेश है, अभी स्कूल में लोअर केजी में एडमिशन हो गया सबका, ठीक है ना। इसके पहले प्ले ग्रुप था, परिचय शिविर अध्ययन बिंदु तक प्ले ग्रुप, अभी एलकेजी प्रवेश, ऐसा है। रूप गुण स्वभाव धर्म वास्तविकता का परिभाषा कुछ नहीं, ऐप में देख के बोल दो, ऐप तो है ही साथ में। वास्तविकता का परिभाषा है, नहीं है, नहीं है तो डलवाएंगे, नहीं है, तो ये जो तीसरा परिभाषा है और वस्तुगत सत्य का परिभाषा एक ही है, तो इसको इससे हमको क्या समझ में आता है कि दर्शन में बाप नागराज जी ने उसी वस्तु को, माने रूप गुण स्वभाव धर्म जो सेट है, उसको एक जगह वस्तुगत सत्य परिभाषा किया है, दूसरे में वास्तविकता बोला है। फिर ऐसा क्यों बोला, दोनों में सिमिलैरिटी हो गई, तो कंफ्यूज करने के लिए बोला है क्या? हाँ, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होगा तो मुझे नहीं पता है, पता ही नहीं चलेगा उसको। पूरे दर्शन को केवल रूप गुण स्वभाव धर्म के आधार पर लिखा जा सकता है, आज मैं भी लिख सकता हूँ, पूरे दर्शन को रीराइट कर सकते हैं, ये छह विधि से ही पूरा दर्शन बता सकते हैं। जैसे ये जो संकलन बना है, इसका चैप्टर हेडिंग आप देखो, चैप्टर 2 अस्तित्व दर्शन, चैप्टर 3 जीवन, चैप्टर 4 मानवतापूर्ण आचरण, नहीं मुझे याद है ना, चैप्टर 5 परिवार व्यवस्था में जीना है ना, उसके बाद समाज, ठीक, उसके बाद संविधान। बट इसके अंदर जब जाओगे अस्तित्व दर्शन, उसमें वस्तुगत सत्य वस्तु स्थिति सत्य मिलेगा। तो हमने क्या किया, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान की दृष्टि से उसको रख दिया, क्योंकि वो सबसे क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि ये अलग अलग हमको प्रतीत होता है। अस्तित्व दर्शन पूरा मिट्टी पत्थर मणि धातु मेंढक घोड़ा गाड़ी सब, जीवन एक अलग वस्तु, मैं, मानवतापूर्ण आचरण मेरा इसके साथ संबंध, रिलेशनशिप, यू कैन ड्रॉ इट ऑन अ बोर्ड, बट यू कैन नॉट ड्रॉ न्याय धर्म सत्य ऑन अ बोर्ड। बोर्ड पर ड्रॉ करना बनेगा है, ट्राई करेंगे, देखिए ये समझ में आता है। तो इससे हमारी चित्रण क्रिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों हमको क्लियर होगी। जैसे मैं बोलता हूं जो भी है वो अस्तित्व, ओके, उसमें देखने वाला जीवन,
आचरण क्या है मानव के रूप में, मानवतापूर्ण आचरण, मानव देखने वाला, इसके साथ संबंध और कैसे जिएगा ये आचरण, ये सिंपल है, सबको समझ में आता है। अभी भी वही करते हैं, एक मेंढक है ना, मैं हूं, मुझे को इतना तो पता चलता है कि मैं मेंढक से अलग हूं, फिर मेरा मेंढक के साथ संबंध क्या है, इसको काटू बेचू खाऊं पकाऊं, ये समझ में आता है। अभी भी हम किसी भी वस्तु का उपयोग या इंटरेक्शन करते हैं इसी के आधार पे करते हैं, दूसरा कोई विधि है ही नहीं आदमी के पास। कुत्ता बिल्ली भी करता है उसी के आधार पे करता है, लेकिन कुत्ता बिल्ली में सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होता है, मैं का सेंस नहीं होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी इसी विधि से करता है, ऑक्सीजन की कोई गुण है, हाइड्रोजन की कुछ गुण है, इनमें कोई रिलेशनशिप है, ये संबंध ही उसका आचरण, ठीक, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं कहूं कि ये जो तीन ज्ञान है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण, और मैं एक सूत्र देता हूं समझने की वस्तु क्या है, न्याय धर्म और सत्य, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है। है कोरिलेटेड है, बट कहां तक कोरिलेटेड है कहां तक कोरिलेटेड नहीं है ये शोध का बिंदु है, ठीक। अच्छा, इन तीनों में रिलेशनशिप तो ड्रॉ करना, चित्रित करना इजी था, न्याय धर्म सत्य को कैसा ड्रॉ करोगे, नहीं आएगा ड्रॉइंग में, राइट, नहीं आएगा। इसीलिए जो मैंने बिगिनिंग में ही कहा था, सिंपल उसने के लिए है अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान मानवतापूर्ण आचरण, इस फ्रेम को मेंटली आपको सेट करना पड़ेगा। दर्शन में तो बहुत सारी चीजें लिखी है, है? एक और उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म, ये दो ध्रुव है, घूम फिर के इसी में आना फॉर सम इयर्स, ये स्थिर हो जाएगा, उसके बाद बाकी चीजें उसमें जुड़ेगी, ठीक है। तो ये अच्छा, ये छहों को आपको एक साथ सॉल्व करना है, यदि आप बहुत ही आपको एडवेंचरस लग रहा है, टार्जन जैसा फीलिंग आ रहा है, तो एक सारे छह को एक साथ जैसे लेकर करो, ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी इतना है ना बहादुरी नहीं दिखानी है, तो दो को लो, एक सेट को लो, इसको सॉल्व करो, फिर उसमें दूसरे को डालो, उसको सॉल्व करो, फिर उसको तीसरे को डालो, सॉल्व करो, इस बीच में बाकी सब चलता रहेगा, हम पुस्तक पढ़ेंगे, नहाएंगे धोएंगे कमाएंगे, बच्चा रोएगा, डायपर बदलेंगे, सब चलता रहेगा, हमारी जो परस्यूट है इसमें चलती रहेगी। परस्यूट का मतलब हमारा जो ध्येय है, जो बौद्धिक ध्येय है, हम बौद्धिक व्यवहारिक और भौतिक तीन चीजों को रखे ना। सो शास्त्र अध्ययन वाला भाग ये बौद्धिक प्रधान है, इसमें व्यवहारिक और व्यवसायिक चलते रहता है, जैसे पहले से चल रहा था, उसमें थोड़ी 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 सुधार क्रमशः बढ़ती जाएगी, एक समय में फिर हमको लगेगा कि अब मुझे व्यवहार को और ठीक करना है या व्यवसाय को ठीक करूं। प्रौढ़ों के लिए यही है, युवक से लेकर प्रौढ़ तक, बच्चों की शिक्षा में इसकी क्रम थोड़ी अलग होगी, वो उल्टा, वो व्यवहार से शुरू करेंगे, संबोधन से शुरू करेंगे, फिर वो घर में सेवा करेगा, व्यवहार और व्यवसाय से लेते हुए परिवार व्यवस्था में भागीदारी का प्रैक्टिस करते हुए फिर उसको बौद्धिकता में लेकर आएंगे। तो इस बौद्धिकता की पूर्व तैयारी पहले होगी उसके अंदर, कि उसका चित्रण क्षेत्र विकसित हो, उसमें भाषा आए, उसमें जिज्ञासा को हम माने जगह दे पाए, उसको कुचल न दे, क्योंकि अध्ययन करना है तो जिज्ञासा चाहिए ना, बिना जिज्ञासा का होता नहीं, वो अनुकरण अनुसरण वाले स्टेज में आके फिर ये कर पाए। तो हमारे लिए स्टार्टिंग वाला जो है जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन और मानवतापूर्ण आचरण, इसको हम करें, ठीक है, और फिर इसमें इसको घोल के देख सकते हैं, इसमें यथार्थता वास्तविकता सत्यता कैसे बैठता है। तो इसको यदि देखेंगे ये समझ में आता है कि ये एक कलेक्शन है, जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन कंटेनर के रूप में बनाया है। तो आप जब श्रद्धे बाबा जी के साथ जो हुए संवाद उसको सुनेंगे तो उसमें मिलेगा रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में साक्षात्कार, न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार, स्थिति सत्य वस्तुगत सत्य वस्तु स्थिति सत्य का बोध, सह अस्तित्व विकास का विकास जागृति का साक्षात्कार बोध अनुभव,
यथार्थता वास्तविकता सत्यता का बोध, ठीक है ना, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान बोध, अस्तित्व बोध, जीवन बोध, नियम बोध, न्याय बोध, ऐसा मिलेगा। तो जब वो साक्षात्कार और बोध या ज्ञान की वस्तुओं को बताएंगे, इन छहों विधियों से बताएं। सूत्र तो साक्षात्कार होगा नहीं, उसके मूल में वस्तु। इसके फायदा क्या है हमारे लिए कि पहले ये मूल ज्ञान की वस्तु को हमने स्थिर कर लिया तो बाकी की दर्शन की पूरी चीज फटफट फटफट फट खुल जाएगी। एक विधि है ना। दूसरा विधि है अनुकरण अनुसरण से प्रारंभ करना। ये बहुत हैवी लग रहा है मुझे, है ना, तो मैं इधर से शुरू करूंगा। क्या? संबोधन से शुरू करूंगा, उदारता से शुरू करूंगा, व्यवसाय से शुरू करूंगा, माने मैं क्या है, विनिमय में लाभ को नहीं देखूंगा, ठीक है ना, स्वस्थ हो जाऊंगा, वो भी ठीक है। या तो फलवत ज्ञान से शुरू करो या मूलवत, वो बुक में है, एक टेबल है, उसमें मूलवत ज्ञान फलवत ज्ञान लिखा है। जिसको मूलवत ज्ञान का पहले से वृत्ति है वो वहां से शुरू करेगा, जिनको फलवत ज्ञान से प्रारंभ करना है वहां से शुरू करेंगे। है वो है इधर है, ठीक है, देख लेंगे पेज नंबर, आपको इच्छा हो तो देख लेना उसको, ठीक है ना। है बलवत की फलवत, नहीं यार मलवत थोड़ी लिखा है, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, मूलवत है भाई। यहां तक आदमी पहुंचेगा तो उसको समझ में आएगा ये मल नहीं और मूल है। उसके पहले यदि उसको मल लगता है, इसका मतलब यहां तक आने का योग्य नहीं हो, वापस जाना है, बैक मार के जाना है। मैंने पहले पेज पे लिख दिया हिंदी में त्रुटियों को क्षमा करें, मुझे हिंदी, मैं सातवीं पास हूं, आठवीं फेल हूं हिंदी में, उसके बाद हिंदी छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया, वो टाइपिंग एरर हो गया, उसको बाद में ठीक कर लेंगे। क्या पेज नंबर उसका है? 15। यहाँ किसी का हिंदी अच्छा है और यूनिकोड गूगल हिंदी टाइपिंग ठीक है, तो मैं आपको उसका सॉफ्ट कॉपी भेज सकता हूँ, आप करेक्ट कर लो, करेक्ट करके मुझे भेज देना, ठीक है, ठीक। फिर मानवतापूर्ण आचरण को देखेंगे, तो फिर हमको एक भाषा मिलती है, ज्ञान विवेक विज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, ओप्स, है ना, विवेक और विज्ञान, ओके, अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण, विवेक और विज्ञान। तो इसको, इस सेट को सॉल्व करना पड़ता है। तो मैंने आपको सुझाया कि आप नंबर 6 से चालू करो, ये सिंपल है। इसको करते हुए फिर बाकियों को सोचते रहना, ऐसा नहीं कि इसको बिना नहीं सोचेंगे, वो पढ़ने में आएगा ही। बट यदि आप, मैंने वो इंग्लिश में कहावत है, बाइट हाउ मच यू कैन चू, उतना ही चबा, मतलब उतना ही मुंह में लो जितना तुम चबा सकते हो, तो सबका चबाने का शक्ति और मुंह खोलने का ताकत, सबका मुंह अलग है ना, इनका अलग है, इनका सबका अलग, तो उतना ही खोलिए जितना अंदर आता है। बट ध्यान में रहे कि बाकी भी है साइड में, ये मूल है। इस पेज में जितनी चीजें लिखी है आपको यदि समझ में आ जाता है, ये मुझे समझ में आ जाए, तो हम मध्यस्थ दर्शन समझ गए। इतना ही है मध्यस्थ दर्शन में, बाकी सब इसका फैलाव है। या तो मूलवत ज्ञान के वस्तुओं से अपना अध्ययन प्रारंभ करना, या फलवत ज्ञान को सोच के उसके प्रैक्टिस से प्रारंभ करना। तो कार्यशील प्रवृत्ति का व्यक्ति है कोई, तो फलवत ज्ञान से शुरू करेंगे। चिंतनशील प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मूलवत ज्ञान से शुरू करेंगे। उपदेशात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दोनों को सुन के दूसरों को सुनाएंगे। ये तीन प्रवृत्ति का व्यक्ति बाबा जी का बोला है, मेरा नहीं है। हाँ, नहीं नहीं माइक डाल के तुम क्या पूछ रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। एक यतित्व सतित्व में दिया था, यत्न पूर्वक जागृत होगा, और एक ना संकल्प और निष्ठा, मतलब सतित्व पूर्वक जागृत होगा करके। हाँ, पति पत्नी संबंध में। हाँ, तो क्या पूछ रहे? जैसे ये दो तरीके बताया अध्ययन चालू करने के, वैसे ही है, ये अलग है, मूलवत है फलवत। क्वेश्चन ठीक से फ्रेम करो, क्या पूछना चाह रहे हो? जैसे वो
यतित्व सतित्व वाले में पढ़े थे कि यत्न पूर्वक जागृत है, हाँ, तो उसको इस संदर्भ में पूछना क्या है? जैसे दो तरीके से चालू कर सकते हैं अपना अध्ययन, बोले ना, तो वैसे पूछा था, वैसी टाइप का है। हाँ, प्रयास पूर्वक की संकल्प पूर्वक? नहीं नहीं, वो उससे संबंधित नहीं है, उसका उसका कोई तालमेल नहीं, वो अलग है ना, वो अलग है। यही जब हम अध्ययन करेंगे तो ये सारा सेट होगा कि कौन सी चीज किससे संबंधित है। किसी दूसरे वस्तु का अर्थ निकाल के हम और कहीं इंपोर्ट करेंगे, इसका अर्थ इसमें इंपोर्ट करेंगे, वो होता नहीं, ठीक है ना। वो संबंध में एक व्यक्ति, मतलब वो मेल फीमेल में जो प्रवृत्तियां हैं उसको बताता है। ये मैं जेंडर बेस्ड नहीं बताया, महिला पुरुष के बेस पे अलग अलग हमारी पूर्व वृत्तियां होती है। जैसे मैं इस विधि से शोध किया, मेरे साथ और 5 लोग शुरू किए, वो सभी लोग इसी विधि से कैसे का आवश्यक नहीं है। तो जितनी विधियां हैं उसको मैंने यहाँ पर रखने का प्रयत्न किया है, ठीक है, ये वाली बात पर। और कुछ बात करनी हो तो बताइए। वही पहले वही मूलवत ज्ञान पे स्पष्टता बनेगी। स्पष्टता मतलब शास्त्र अध्ययन में ही वो फिर जीने में कैसे जुड़ता है वो क्लियर होगा, ठीक। किसी को ऐसा लगता है कि पहले मूलवत ज्ञान को स्थिर करो, वहां से प्रारंभ करेंगे। किसी को लगता है कि इसको पढ़ लिया आप, बहुत ज्यादा भाषा हो रहा है, बहुत टफ हो रहा है, इसके जो आचरण वाले पार्ट है मुझे ठीक लगता है। क्या ठीक लगता है यार? संबंधों को निर्वाह करो, संबंध को, संबोधन को ठीक करो, उदारता का प्रैक्टिस करो, है ना। बेकार मेरा नौकरी या कुछ भी व्यापार था उसको बंद करके उसको चेंज करूँ, माने मेरे मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं उसके लिए मैं चिंतित हो रहा हूँ, उसके लिए मैं इससे अच्छा एक विद्याशाला खोलूँ, सब ठीक है। ये सब होगा, ये फल के जगह पर होगा, वो भी उपकारी है, ये भी उपकारी, इतना ही बोल रहा हूँ। दोनों छोर है, ऐसा नहीं है वो बाद में, इसीलिए इसमें बाद में लिखा तो ये आगे पीछे नहीं है, बहुत सारी चीजें साथ भी चलती हैं। श्रवण के बाद वो वास्तविक रूप में हो पाता है, श्रवण ही नहीं है तो उसमें त्रुटि रहेगी। जैसे मैं पुस्तकों को पढ़ता हूँ, श्रवण पूरा नहीं हुआ मान लेते हैं, है ना, किसी एक स्टेज तक आया है, और मैं संबंध निर्वाह का प्रैक्टिस करता हूँ, मूल में संबंध क्या है इसका शोध ही पूरा नहीं हुआ है, वो संबंध निर्वाह पूरा हो पाएगा ठीक से? नहीं हो पाएगा, क्योंकि किस विधि से उसको निर्वाह करना है ये मुझे अभी फिक्स नहीं है। तो उसमें मेरी अपनी चीज जुड़ेगी ही जुड़ेगी, और उसमें कठिनाई आएगी, उसमें परेशानी आएगा। पहले से बेहतर होगा ये रहेगा, पहले तो बेहोश है, अभी होश है, बट होश का आधार चाहिए। तो इसीलिए श्रवण पूरे हुए बिना व्यवहार अभ्यास पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको वहां लिखा है वास्तविक रूप में, है ना। अच्छा, ये किसके लिए लिखा है? एक ऐसे विद्यार्थी के लिए लिखा है जो बचपन से शुरू कर रहा है, बट व्यवहार आयाम बंद नहीं होगा ना आदमी का। एक छोटा बच्चा भी है तो, जैसे मेरी 7 साल की बेटी है, उसका व्यवहार आयाम खुल गया है 1-2 वर्षों से, व्यवसाय वाला आयाम उसका कुछ है नहीं, भागीदारी वाला आयाम उसके मजे के अनुसार है। वो स्कूल से आती है, हमने नियम किया है कि तुमको टिफिन धोना है, 2 दिन धोती है, तीसरे दिन बोलते आज मैं नहीं धोंगी, फिर मैं बोलता नहीं तुमको धोना पड़ेगा, मेरी पिटाई करती है, ठीक है, खेल है उसके लिए। फिर वो बोलेगी नहीं मैं तभी धोंगी, तुम बॉटल में भर के दो, उसके ऊपर छेद करके दो, वो प्रैक्टिस है, मजा है। उसको डराना धमकाने से कुछ होगा नहीं ना, नहीं नहीं तुमको उत्पादन में भागीदारी करना है, थोड़ी उसको समझ में आएगा उत्पादन में भागीदारी, 7 साल की है, तो स्प्रे करेगी, पूरा सोप डालेगी, पूरा भीग जाएगी, उसका टिफिन धोना मतलब एक प्रोजेक्ट है, पूरा भीग के कपड़ा वपड़ा भीग गया, मजा लिया उसका, सोप पूरा हर जगह, साबुन किचन में, एक आधा दिन ऐसे भी हो जाता है, एक आधा दिन कर भी लेती है। फिर उसकी टीचर बोलती है स्कूल में बढ़िया करती है, मतलब उसको पता है कि स्कूल में कर सकते हैं, घर में माँ बाप के साथ टाइम पास कर सकते हैं, उसमें भी पिता के सर के ऊपर पकड़ के नाच सकते हैं, नाचती है मेरे सर के, मेरा वो जो एक पता नहीं कोई मुझे, मैंने देखा नहीं, किसी ने पूछा कि तुम्हारे वो फोन में कोई प्रोफाइल फोटो होता है उसमें तुम्हारी बेटी कंधे के सिर पे है, मैंने नोटिस नहीं किया था, ठीक है ना। तो ये बंद थोड़ी होता है, तो हम क्या बोलेंगे मेरी बेटी व्यवहार अभ्यास कर रही है? नहीं यार, टाइम पास, व्यवहार आयाम रहेगा, विचार आयाम रहेगा, लेकिन उसको
उपासना या मनन या साधना के रूप में करने के लिए श्रवण स्थिर होना पड़ेगा। श्रवण स्थिर हुए बिना उसकी सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगी हमारे पास, कुछ ना कुछ होगा उसके अनुपात में होगा, उसमें हमारी पूर्व संस्कार अधिक काम करेगी। जिनका पूर्व संस्कार मान लेते हैं सुसंस्कार उदारता का है, चाहे स्वयं से या परिवार से या कुनवे से, जैसे बाबा जी का जो कुनवा था, संकेती बोलते हैं उनको, उनकी ख्याति है उस क्षेत्र में विद्वता के लिए, सेवा के लिए और म्यूजिक के लिए। म्यूजिक के विद्वान होते हैं ये, बौद्धिक विद्वान होते हैं, और भयंकर सेवा, हॉस्पिटैलिटी। मैं उसको देखा हूँ, कई बार गया हूँ उनके गांव में। आप गांव में जा रहे तो लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कहाँ से आए, चलो आओ कॉफी पियो, है ना, नाश्ता करो हमारे, ऐसे ही। और ऐसे भारत के दूसरे किसी जगह में जाता घूरेगा, कहाँ से आ गया, चोरी करने आ गया, क्या करने आ गया, वहां की ऐसी सभ्यता है, ठीक है ना। हाँ अच्छा अच्छा, ऐसा दिखता है, मुझे नहीं दिखता ऐसे। वो कभी लिया था पहले, वही वही नहीं, ठीक है वही। लड़कियों को जनरली बाप से ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है, जनरली। तो हम युवा अवस्था में आके, जैसे आपका भी विवाह नहीं हुआ है, आप क्या पति पत्नी संबंध प्रैक्टिस करोगे, व्यवहार अभ्यास में नहीं कर सकते क्या? वो शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस करोगे क्या कि सामने पत्नी खड़ी है और मैं खड़ा हूं और मैं बात कर रहा हूं, नहीं कर सकते आप। तो वाला संबंध आपके लिए खुलेगा ही नहीं। और कोई पति पत्नी कर रहा है उसको देखकर आप कुछ अनुमान लगाओगे, वो भास है, अनुभव करने के लिए शादी करना पड़ेगा, तब अनुभव होगा कि पति पत्नी संबंध में क्या होता है, ठीक है ना। हाँ वही वही, तो ऐसा है। फिर अभी आप स्टूडेंट हो, कुछ दो पैसा कमाते नहीं हो, तो व्यवसाय आपको कोई प्रैक्टिस नहीं, श्रम का अभ्यास कर सकते हो, घास काट सकते हो, घास कट के घर कैसे चलेगा ये व्यवसाय है, घास काटना श्रम है, ठीक। तो आप बड़े होंगे तब व्यवसाय वाला आयाम खुलेगा, व्यवस्था में भागीदारी। अब आप इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग दौड़ते हो, वो एक घटना है आपके लिए अभी व्यवस्था में भागीदारी। जब तक व्यवस्था का चित्र स्थिर नहीं होगा, उसमें अपना प्लेसमेंट स्थिर नहीं होगा, उसका नियम स्थिर नहीं होगा, उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ वो स्थिर नहीं होगा, वो व्यवस्था में भागीदारी का अभ्यास नहीं है, मानसिक अभ्यास नहीं है। समझ में आता है? देखिए, मानसिक अभ्यास, मनन उस अभ्यास का मानसिक पक्ष है जो व्यवहार के और या बाह्य वस्तु से प्रोजेक्ट होने वाला है, इनसाइड आउट है। और उसके पूर्व में सामान्य स्वीकृति के साथ हम उसमें कर रहे हैं, उसका भी सुख है। शॉर्ट टर्म में वही वही, जैसे अभी हम कल सायंकाल को इधर चार लोग रहते हैं उत्सव परिसर जगह, उन लोगों ने भोजन पे बुलाया, मैं उनको तीन चार बार मिला हूं, बहुत ऐसे अधिक किसी को जानता नहीं, अच्छा लगा, ठीक। अब यदि आप देखूं तो मैं पुणे का एक कॉरपोरेट में काम किया हुआ आदमी, वहाँ एक राइस मिल ओनर, एक कपड़ा का पहले जो व्यापारी थे, एक तेल निकालने वाले व्यक्ति, और कोई एक सौ ये चार लोग हैं। मेरा उनके साथ शैक्षणिक कोई संबंध नहीं, जाति का कोई संबंध नहीं, भाषा का संबंध नहीं, मेरा खाना भी अलग है, ठीक। हम मिले, अच्छा लगा, ये फलवत ज्ञान है। हम एक लक्ष्य, एक वस्तु को परस्यू कर रहे हैं और एक स्तर की उसमें विश्वास, सम्मान और आत्मीयता है, लेकिन वो उतने ही स्तर की है। उससे गहरे में जाने के लिए बगल में उनके यहाँ मुझे घर बना के रहना पड़ेगा, तब वो संबंध वाली चीज खुलेगी, ठीक। आगे बढ़े। यतित्व सतित्व शब्द को अलग करके यूज के में दिया है, यत्न पूर्वक जागृत होना और संकल्प पूर्वक जागृत होना, ये क्या है? मतलब इसके शरीर पर डिपेंड रहता है ये? हाँ, ये शरीर में जो रस रसायन बनते हैं उससे जीवन की प्रवृत्ति ऐसी बनती है, पुरुषों और महिलाओं में अलग है, इसीलिए यतित्व सतित्व ऐसा बनेगा। रसायन तो है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रहता है, एस्ट्रोजन रहता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन रहता है,
मतलब रस रसायन से संकल्प और यत्न निर्धारित होता है तो शरीर में जीवन का ऐसा होता है। हाँ लड़का लड़कियों को देखिए, 5 साल की आयु में 4 लड़कियों को डाल दीजिए खेलने के लिए, हमारे यहाँ सब दोनों सैंपल है, चपर 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 बात करते रहेंगे, कुछ पेंटिंग ड्राइंग करेंगे। वो हमारा भाई का लड़का है, वो किसी से साथ खेलता नहीं, वो अकेले अपना स्कूटर चलाएगा, बाहर मिट्टी में जाके पानी डालेगा, पूरे शरीर में जो है कीचड़ लेपेगा। ये लड़कियां 5 घंटे से रूम के अंदर एक कोने में बैठ के कुछ तो खेल रहे हैं, जबकि वो मिट्टी उधर भी है। ये तो अभी आधुनिक विज्ञान में करके देखा है उन्होंने। अच्छा ये तो मैं एक रैंडम, इसको आप बोलते हैं एनेक्डोटल एविडेंस, इसकी कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने अच्छा जिसको मैंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, उसमें कंट्रोल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, करके देखा। एंड लड़कियां अलग प्रकार की टॉयज ही प्रिफर करती हैं, वो सॉफ्ट है ना, उसी को प्रिफर करती है। ये लड़का स्कूटर वो छूता ही नहीं, वो सॉफ्ट टॉय को। अच्छा वो लड़की के पास यदि है उसको छीन लेता है और यूज नहीं करता है, खेलेगा नहीं छीन लेगा। हमारे घर में 2 लड़कियां, मेरी बेटी 7 की, मेरे भाई की बेटी 7.5 की, मेरा भाई का लड़का 2 साल का, इन दोनों को पीट देता है, खरोच देता है, खून निकाल देता है। ये दोनों लड़की 7 अच्छे बड़े हैं, डबल मतलब वो 12 किलो का है, ये दोनों 22 किलो के हैं, और पीट के वापस आते रोते हुए, इसने मुझे मार दिया। हम उसको पूछेंगे तुमने क्यों मारा, वो नहीं देती है ना, क्या करोगे झापड़, वो ऐसा तमिल में बोलेगा क्या किया मैं इसको, खरो पूरा बताते क्या क्या किया उसने। अब जाके एक लड़की का हिम्मत हुआ, एक बार उसको पीछे बजाया, बैर रोने लग गया वो लड़का। फिर उसके बाद उसको समझ में आया कि मुझे भी पड़ सकती है, उसके पहले उसको ज्ञान ही नहीं होता। अब क्या करो, इसको क्या बोलोगे आप, जीवन समान है, सब है, हमने तो सिखाया नहीं कि तुम ऐसा करो। ठीक है ना, ये सब वही तो जो हम दर्शन में पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशन करना, ये सर्वेक्षण है, अध्ययन की विधि, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण। तो जो थियरी के रूप में है स्पेशली मनुष्य के व्यवहार, उसको फिर वो दुनिया में कैसे है, फिर उसमें दर्शन का भाग जो मिलता है वो सही है, फिर कुछ भाग नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा है नहीं बाहर। ठीक है ना, जैसे नियम नियंत्रण संतुलन हम बोर्ड पे बताएंगे तो नहीं हो पाएगा वो, आप हम 10 बार घूमेंगे बाहर जाएंगे पर्याप्त सैंपल देखेंगे बोला हाँ यार है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन तो करना पड़ेगा ना बाहर। इसमें दिया है क्या निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण, पता नहीं छूट गया तो जोड़ देंगे, होगा कहीं तो होगा। ये समझ में आता है, तो इसीलिए पहले दिन मध्यस्थ दर्शन और अन्य ध्यान विधियों में अंतर को हमने कवर किया। अलग ही है, ये भाषा एक ही है बट नहीं है सेम। आभास होना, परिभाषा सत्यता, तात्विक परिभाषा, देखिए पेज 10 में लिखा है वास्तविकता को दर्शन में बताए गए विधियां, वही यहां पर दिया, यही टेबल हमने इधर लिखा है इस पे है। तो 4 लिखा है क्रियाओं के आधार पर, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, 4 अवस्था पदार्थ प्राण जीव एवं ज्ञान, 4 पद प्राण भ्रांत देव और दिव्य पद, इनमें रूप गुण स्वाधर्म अनुक्रम विधि से सहस्तित्व विकास कम विकास जागृति कम जागृति, मानव के दृष्टियों की दृष्टि से न्याय धर्म सत्य, सत्य विधि से स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, मानव केंद्रित चिंतन विधि से अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मान्यता पूर्ण आचरण ज्ञान, सच्चाई की विधि से यथार्थता वास्तविकता सत्यता, ऐसा इसका क्लासिफिकेशन है। तो इसमें जो सबसे सिंपल है वो मानव केंद्रित चिंतन विधि है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान। एक छोटा बच्चे को भी हम समझा सकते हैं, 10 साल का बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं ना, ये न्याय धर्म सत्य नहीं जाएगा उसको, लेकिन आम का पेड़ है, आम का पेड़ ऐसा करता है, तुम हो, तुम्हारा आम का पेड़ के साथ संबंध है, हो गया। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मान्यता पूर्ण आचरण ज्ञान, इसका एक धार, दूसरा धार, तीसरा धार, चौथा धार, करते करते उसकी पिक्चर ऑफ रियलिटी पूरी होती है।
अभी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यही करते हैं, लेकिन उसमें देखने वाले को छोड़ देते हैं, दृष्टा गायब हो जाता है, उसके बाद केवल फिजिक्स रह जाता है। दर्शन क्या करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें आदमी को भी जोड़ देता है, उसमें प्रयोजन को भी जोड़ देता है, इतना है। वो हमने किया था भाषा के स्ट्रक्चर में, याद है, ऊपर याद है 4x4 का एक ग्रिड बना था, बहुत सिंपल है, रूप गुण स्वाधर्म पदार्थ प्राण जीव और ज्ञान अवस्था, एक ग्रिड बनाया था इसी में है? इस नोट्स में ग्रिड नहीं है, दोनों को मिलके आपको पढ़ना पड़ेगा। इस नोट्स में मैंने प्रयत्न किया कि बाबा जी की लिखी हुई सीधे रहे, केवल थोड़ा सा टैबुलेशन किया है। सूत्रों में अंतर संबंध स्पष्टता जीवन विद्या अध्ययन क्रम देखिए पेज 17 में है, उस नोट में ये बाबा जी का ही है नोट, जीवन विद्या अध्ययन क्रम के डायरी से है ये, 1995 की डायरी से, कि जिसका अध्ययन का क्रम क्या होना चाहिए, उन्होंने एक लेख में लिखा, उसको मैंने यहाँ पर दिया है संबंधित संवाद। ठीक है, फिर प्राथमिकता इच्छा प्रथम चरण जीवन क्रियाकलाप ने, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण छूट गया क्या, वो एक इम्पोर्टेंट एडिशन है इसमें, विश्लेषण की क्रिया, विवेकात्मक अध्ययन। ठीक है, कहीं होगा नहीं तो डाल देंगे, मैं नोट बना लेता हूं। ये कुल मिलाकर अभी हमारी जो चर्चा हो रही है, दर्शन को कैसे नेविगेट आप करें, बस उतने के लिए है ना, अनिवार्य है ऐसा नहीं है, ये गुड टू हैव है, आप स्वयं करना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं, तो स्वयं ही करना पड़ेगा फाइनली, नहीं है वो निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण, पर पीछे परिभाषा तो दिया होगा उसका। ठीक है, और पीछे परिभाषाएं दी है इसमें, है ना, ये अभ्यास और अध्ययन संबंधित परिभाषा पेज नंबर 68 में, जीवन क्रिया और स्वीकारने के क्रम को लेकर परिभाषाएं हैं, है ना, एक जगह, तो क्या आप कॉन्सेंट्रेट होके आपको ईजी पड़ेगा पढ़ने के लिए, है ना, पेज 70-71 तक जाता है। देन मनन एवं साक्षात्कार संबंधित शब्द है पेज 72 में, इसमें चिंतन अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास, ये सब मनन से संबंधित शब्द है, कल्पनाशीलता से संबंधित शब्द, स्व मूल्यांकन से संबंधित शब्द 75, फिर शब्द, फिर शिक्षा से संबंधित शब्द। इन चीजों को स्थिर हुए बिना शिक्षा फिर क्लियर नहीं होता है, क्योंकि एक संतान या बच्चा ग्राह्य कैसे करता है, जब तक हमको स्वयं का जीवन क्लियर नहीं होता उसका भी नहीं क्लियर होगा। जानने मानने से संबंधित शब्द है ना, फिर अभ्यास विधियां, योग अभ्यास, मनन, ये सब कुछ सैंपल दिया है, बाकी के लिए तो पूरा आपके पास है ही परिभाषा संहिता। तो ये मैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो ये इस विधि से है। फिर ब्रॉडली यदि देखेंगे तो एक इसको ऐसे देख सकते हैं, तीन चीजें लिखी है इसमें, इसको मैं एक साथ यहां पर प्रोजेक्ट करता हूं, पढ़ लूंगा। हाँ, 13 में है, ठीक है ठीक है, 13 में है, दिखाइए, वही मैं सोच रहा था कि मेरे ध्यान में था कि है ये, हाँ शब्द है, जी जी जी, हाँ वही समझने की प्रक्रिया में है, बट वही तो निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करना है, ये उसको हम लिख देंगे कि ये तो, ताकि वो क्योंकि इसमें जो निरीक्षण का जो परिभाषा और आप जो परिचय शिविर में सुनते हैं उसमें भिन्न है। निरीक्षण का मतलब है स्पष्ट स्थितिगति दर्शन, तो निरीक्षण बोध तक जाता है, परीक्षण का मतलब है कि प्रयोजनों को जानना मानना, सर्वेक्षण का मतलब क्यों कितना कैसे, है ना, वो वाला आकलन। तो ये तीन चीजें हैं कुल मिलाकर दर्शन में, बहुत सिंपल है, इस सारे को यदि समराइज करेंगे पेज 13 में, एक है जानने की वस्तु, जानने की वस्तु है जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान, विवेक और विज्ञान उसके साथ समाहित, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे थिंग्स टू बी नोन, है ना,
तो जानने की वस्तु में एक जीवन ज्ञान मतलब स्वयं भी है, तो मैं स्वयं भी हूँ, संपूर्ण अस्तित्व है और उसके साथ मेरा संबंध है। दीज आर द थिंग्स टू बी नोन, द डायमेंशंस टू बी नोन। ये रूप गुण स्वभाव धर्म, यू हैव टू नो रूप गुण स्वभाव एंड धर्म, ये डायमेंशन ऑफ रियलिटी है, ठीक है ना। इसी को फिर न्याय धर्म सत्य स्थिति सत्य वस्तुगत सत्य अलग अलग। एंड तीसरा है जानने के स्तर है। जब भी आपको लगता है कि मैं समझ रहा हूं, कम से कम ये तीन में से कोई एक हो रहा है। इधर आपको भास हो रहा है, इन्हीं चीजों का भास होगा, इन्हीं चीजों का आभास होगा, इसी के सार का प्रतीति होगा और इसी का संयुक्त रूप में अनुभूति होगी। ये सिंपल है, एक फ्रेम में सारी दर्शन आ जाती है। इसी से संबंधित शब्द है थिंग्स टू बी नोन एंड डायमेंशन ऑफ नोइंग, डिग्री ऑफ नोइंग, एक डी डाल सकते हैं पेज 13 में यदि ऐसा। डी डिग्री ऑफ नोइंग एंड देन वी कैन हैव डी। Dimensions of living, जीने के आयाम, चाहे तो आप लिख लीजिए, बाद में मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। ओके, व्यवहार, संबंध, ओके, व्यवसाय एंड व्यवस्था, परंपरा, things to be lived, जीने के वस्तु, हो गया चार में पूरा पैकेट हो गया, पूरा दर्शन इतने में। तो डी में यदि हम जीने के वस्तु के इसमें जोड़ देते हैं, बढ़िया, नीचे ब्लैंक स्पेस भी है, मुझे नया पेज नहीं बनाना पड़ेगा। पूना में इसका वो है हैंड रिटन नोट, तो उसको करके फिर उसको स्कैन करके पीडीएफ बना दूंगा इसी में। नहीं, ये हैंड रिटन है ना, ये जानबूझ के हैंड रिटन रखा कि थोड़ा सा अनऑफिशियल रहे। ऐसा लगता है कि नोट्स है, टाइप करने से थोड़ी वो हो जाती है। तो इसमें सिंपल है, आप देखिए वो जो मैं कह रहा था कि हम या तो फिर जीने के वस्तु से शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब एक हम 55 साल के हो गए, अब ये सब भाई भारी पड़ता है, वो बढ़िया, आप जीने के वस्तु शुरू। तो हर विन विन है ये, हर व्यक्ति के लिए इसमें स्पेस। पूर्वावर्ती दर्शनों में एक दर्शन को पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशंस इतना था, कुछ में इक्का दुक्का आदमी क्वालिफाई होता था। पहले जन्म सही परिवार में होना चाहिए, उसकी सही मानसिकता होनी चाहिए, फिर उसके तप का एक स्टेज होता है, उसके बाद उसका श्रवण है। तो दस यो मतलब अभी जो होता है ना, ये पुलिस में कांस्टेबल का एग्जाम 10 रहता और 12 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। अभी पुणे में आया था, 21 पोजीशंस एंड 11 लाख कैंडिडेट्स था अभी, या 3 लाख कैंडिडेट ऐसा हो जाता है उसमें। इसमें सबके लिए है, क्योंकि हम भास से शुरू कर सकते हैं, जिसको भास तक तृप्ति होनी है वो ठीक है, जिसको आभास तक जाना जाता है, जिसको प्रतीति तक जाना जाता है, जिसको अनुभव के पहले रुकना नहीं, वो नहीं रुकेगा। भास होने से आभास की आवश्यकता महसूस होगी, आभास होने से प्रतीति की आवश्यकता महसूस होगी, प्रतीति से अनुभूति की आवश्यकता महसूस होगी। अभ्यास, जब अभ्यास दर्शन पढ़ रहे थे तो भैया बताए थे कि अभ्यास करने के लिए एक लेवल का शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होना पड़ता है। वैसे ही जो आप बता रहे श्रवण के लिए तप करना, पहले जो परंपरा में था तप करना, विचार ठीक हो, सही जगह पे जन्म हो, तो श्रवण के लिए एक लेवल का शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होना भी जरूरी है। शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त होना, ऐसा क्या आवश्यकता नहीं है उसके लेवल का? ना, कुछ भी नहीं है। जैसे पैसे का अभाव, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो सब श्रवण को रोकेगा ही नहीं, किसी स्टेज में जाके आगे रुकेगा, बट वो आपको श्रवण होने से कुछ नहीं रुकेगा। आपको एकदम पैसे का अभाव, उस समय आप ध्यान दोगे तो श्रवण होगा। श्रवण होने से उस अभाव से मुक्ति के लिए आपके अंदर वस्तु आएगी, उससे आप मुक्त होगे।
श्रवण के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी वस्तु व्यक्ति श्रवण कर सकता है। उसमें वो कहाँ तक पहुंचता है, उसका शास्त्र अध्ययन कहाँ तक होता है, फिर वो मनन में मैंने सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता है कि नहीं, वो सब मैटर करेगा। घुसने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जीरो। नेक्स्ट मनन में आ जाएगा वो। अभ्यास के स्तर पे बोले थे कि शिकायत मुक्त भाव मुक्त होने के बाद ही अभ्यास कर पाओगे अच्छे से करके, तो वो ये आप अपना जोड़ रहे हो, उस वो मात्र से मनन में नहीं आएगा। नहीं, अभ्यास का नहीं, अभ्यास कहाँ से चालू होगा, मनन से होगा ना। अभ्यास अभी हर कोई करता है भाई, घास काटने का अभ्यास होता है, व्यवहार अभ्यास, एक बोलने का अभ्यास होता है। शुद्ध रूप में मनन के ग्रेड का व्यवहार अभ्यास उसी जगह पर होगा, वही तो आपको बताया। उसके पहले आप व्यवहार करते ही हो, जैसे आप अपने माँ के साथ बात करते हो कि नहीं। इस शिविर चालू के कितना समय हो गया, कितना समय हो गया, 6 महीने बीत गए, तो पिछले एक में मान लेते 5 महीने तक मोटा मोटी आपने दर्शन को एक स्कैनिंग किया है। पिछले एक महीने में 4-5 आदमी से व्यवहार किए हो कि नहीं किए हो, उसको क्या बोलोगे, व्यवहार बोलोगे आप, व्यवहार अभ्यास बोलोगे, मनन क्या है, वो व्यवहार का इंटरेक्शन है, व्यवहार हो रहा है। वो व्यवहार अभ्यास तब कहलाएगा जब उस संबंध की जानकारी आप में है, उसके शोध का स्वरूप आप में है, उसका निष्कर्ष आप में है कि ये माँ क्रिया के रूप में होता है, इसका प्रयोजन ये होता है ना, और सामने आपकी माँ दिखी, आकृति दिखा, उस संबंध में उस जो आपने शोध किया उसको आप जियोगे, इसका नाम है व्यवहार अभ्यास। ठीक है, वो एक केवल परिभाषा को जीना नहीं बनेगा, हाँ वो अनुकरण स्टेज में आएगा। अब मध्यस्थ, पहले मान लो आप माँ का बात नहीं सुनते थे, मान लेते अधिकांश बच्चे तो नहीं सुनते, कितने साल के हो, 20 साल का आदमी जनरली माँ का सुनना बंद कर देता, 13-14 से अभी जो चलता है, ठीक। और दर्शन में पढ़ा कि आज्ञा पालन माँ संबंध होता है, तो आपके थोड़ा सा वो भास हो, आपको लगा नहीं आए, ठीक नहीं है, या नहीं भी लगा तो अपने आप होगा या होता होगा, अपने आप फिर अगले बार से आप मान का सुनना शुरू किया, ये भास हुआ, ठीक है ना। तो भास के ही स्तर पे व्यवहार बदलेगा, व्यवसाय भी बदलेगा, या व्यवसाय में हम गाली गलौज करते थे रोक देंगे, डांट डपट करते थे रोक देंगे, चोरी करते थे रोक देंगे, ये सब होगा। पहले हम दूसरे लोगों के लिए करने के लिए कुछ सोचते ही नहीं थे, अब लगता नहीं यार दुनिया के लिए कुछ भलाई करूं, ये 5 पैसा छोटी को दे दूं, 2 पैसा क्या नाम है गौशाला के लिए दे दूं, मैं भी एक गाय खरीद लूं, यही सब होगा भास में। तो उसकी आंशिकता, व्यवहार अभ्यास का भ्रूण स्वरूप, कर्म अभ्यास का भ्रूण स्वरूप, साक्षात्कार के लिए जो हमको करना है ध्यान, उसका अल्प स्वरूप, भ्रूण स्वरूप, सारी चीजें रहेगी। इसमें जो लिखा है वास्तविक रूप में जो व्यवहार अभ्यास होगा उसको उस जगह पर लिखा गया है, ये जो नोट है, या अध्ययन विधि के लिए है ना। तो मैं ऐसे करने के, जो लोग मतलब बड़े हो जाते हैं, ज्यादा चिंता है, ज्यादा टेंशन में रहते हैं, परेशानी में, वो लोग मतलब कोई चीज सीखने में उनको बहुत टाइम लगता है, सुनते भी नहीं है मतलब याद करने में, जैसे 60 साल के हो गए उसको मोबाइल चलाने सिखाने भी बहुत टाइम लगता है, लिखने भी सिखाना है, और शिविर में बैठे तो क्या पता चला, वो भी टाइम लगता है। तो उसको ऐसे करने की हो कि उनके जीवन में बहुत सारे समस्या था, अभाव था, शिकायत था, वही उनके दिमाग में चलते रहता है, इसलिए उनका श्रवण नहीं हो पाता। तो मैं वैसे कनेक्ट हुआ कि मेरे अंदर मतलब मेरे को पेपर दिलाना है, मेरे एक दिन बाद एग्जाम है, ऐसे टाइप का अभाव नहीं रहेगा तो सुनना ठीक होगा, कर कैसे जोड़ने का देख रहा था। ठीक है, पूर्व मनोपटल की स्थिति जो है उसके अनुसार रहेगा, बट वो मात्र ऐसा एक, वो तो एक पक्ष है। किसी में जिज्ञासा है तो उसको बाकी चीजों का शट डाउन करके कर सकता है, वो जिज्ञासा पर आधार पर है। वो चीज कम रहेगा तभी तो जिज्ञासा आएगा ना, है? वो उधर का अभाव शिकायत कम रहेगा तभी इधर जीने का, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जीने का पीने का कुछ नहीं है उसमें, वस्तु ज्ञान, ज्ञान पक्ष का है वो कुछ नहीं है। अभी भी वैज्ञानिक बहुत सारे जो आविष्कार हुए उसमें से कुछ साक्षात्कार की वस्तुएं हैं। इन लोगों का अपना पत्नियों के साथ भयंकर झगड़ा, न्यूटन का पढ़ लो, आइंस्टाइन का पढ़ लो,
जीवन में ध्यान देने की प्रक्रिया और व्यवहार में अच्छा होना इसमें कोई डायरेक्ट है, एक आगे की स्टेज में जाके है, बट श्रवण की स्टेज में नहीं है उसका प्रॉब्लम, वन टू वन नहीं है ऐसा, ठीक है। एक दूसरा, हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो पहले ही यहां पर आ गया था कि हमारा इच्छा जो सुनना है हम स्वयं समझने के लिए हम सोचे, दूसरा आदमी सुन क्यों नहीं पा रहा है ये बाद में हमको, मेरे अनुसार हमको सोचना चाहिए, ठीक है। ये देखो इधर अपन पहले दिन क्लियर किए थे उसको, अभी हमारा परावर्तन प्रधान होता है जीवन में, है ना, प्रत्यावर्तन कम होता है, तो हम श्रवण करते हुए ये सोचने लग गए कि दूसरा आदमी में श्रवण क्यों नहीं होता है, सोच सकते कोई बुराई नहीं है, पर हमारा श्रवण नहीं होगा, फिर हम उस बात को श्रवण कर रहे हैं कि दूसरे का श्रवण कैसा होगा, वही दूसरा अभी नहीं है, हम इधर से हम चालू हो गए, ठीक है ना। स्वयं समझने के लिए सुनना, ये लिखा था ना कहीं, तो ये नोट्स में है, ये सर्चेबल नहीं है, मैं बोल चुका हूं एक बार, हैं, कहीं होता है, ठीक है, हो गया। स्वयं समझने के लिए हम स्वयं समझ सकते हैं, और सुनने की विधियों में है, नीचे श्रवण वाले भाग में है। अभी दुनिया को ठीक करने के लिए श्रवण नहीं होता है, फिर वो श्रवण दुनिया को ठीक करने के लिए ही होगा, और उसे हम वही करेंगे, वो मनन में जावे नहीं करेगा, मनन वही होगा कि दूसरा आदमी कैसा ठीक होगा, वो फिर दर्शन के लिए मनन नहीं है। कर सकते, मैंने बोल रहा हूं ये संभावना है, आप जो चाहिए करिए, तीनों ऑप्शन है, ठीक है। चाय की घंटी बज गई, चलिए लेट हो गया। तो ये अभी तक जो बात हो रही आप लोगों को ठीक लग रहा है, उपयोगी है कि उपयोगी नहीं है तो उसको रोक के दूसरा कोई बुक पढ़ेंगे, दूसरा मतलब इसी से संबंधित बुक है, बहुत सारा है लेकिन, ठीक। तो ठीक है, इसी वाले पेज को मैंने नीचे लिख दिया है ना, तो नीचे लास्ट में लिखा है थिंग्स टू बी लिव्ड, जीने की वस्तुएं, ये तीन खंड में आएंगे, ए बी सी, ए बी सी डी, ए में संबंध व्यवहार परिवार, बी में लिखा है श्रम, है ना, उत्पादन समृद्धि, ठीक है ना, सी में लिखा है व्यवस्था, पांच आयाम दस सोपान, डी में लिखा है मानवीय परंपरा, संस्कृति सभ्यता विधि। तो ये जो नीचे है ये इसका फल है, इस ज्ञान के साथ एक मानव जब जीता है तो ये फल के रूप में मिलेगा, तो इसमें फिर ये सब मिलेगा, व्यक्तित्व ना, और आचरण का वो भाग जो बाहर से दिखता है, ठीक, मतलब जो सामने प्रकट होता है ना, जो फल के रूप में। तो ये नीचे वाला जो भाग है ये फलवत ज्ञान, ये ज्ञान का फल है, संबंध ये मूलवत ज्ञान है, व्यवहार ये सब, ठीक है। तो यदि कोई मध्यस्थ दर्शन के ये मैंने है ना समाज रचना के मॉडल को लेकर ऐसा प्रैक्टिस करना शुरू करेगा तो कुछ स्तर तक तो वो जाएगा, क्योंकि वो रियलिटी का रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, लेकर जाएगा का मतलब इसका मान लो हमको भास हुआ है, इन चीजों का भास हुआ है, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, इसकी जो सक्सेस है ये भास के अनुपात में मिलेगी, उतने भास का। इसके मूल में यदि ये ज्ञान वाला पक्ष यदि स्पष्ट नहीं है, थोड़ी देर में ये टूटेगा फूटेगा, अलग अलग आएगा,
ये मूलवत, ये फलवत ज्ञान है। तो ये जो वस्तुएं हैं, हम इसको भी श्रवण करते हैं, इसको भी श्रवण करते हैं, इसको भी श्रवण करते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम समझने की स्तर भास, इसमें बहुत चीजें फैली हुई रहेंगी, फिर आभास पूरा होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा, कंप्रेस नहीं, कंप्रेशन शास्त्र अध्ययन में होगा, है ना, सिंथेसिस आभास में होगा, फिर कंडेंसेशन, है ना, या डिस्टिलेशन, ये साक्षात्कार में होगा, फिर इवेपरेशन अनुभव में होगा, ऐसे यदि करेंगे तो ऐसा है, ठीक। तो उसमें फिर वस्तुएं और बहुत ही, इवेपरेशन का मतलब क्या, भाप दिखता है क्या, भाप जो है सबसे सूक्ष्म है, उससे अधिक स्थूल है डिस्टिलेशन, उससे अधिक स्थूल है कंडेंसेशन, उससे अधिक स्थूल है सिंथेसिस मिलाया, ठीक है। तो यह है कुल मिलाकर लॉन्ग एंड शॉर्ट दर्शन का, इतने में है। तो इस पर हम सोच विचार कर सकते हैं। तो हम जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें फिर कौन सी चीजें, इसी का फिर वो जो शब्दों को छांटना था इसी में किया। तो सर्वप्रथम इसको हमने बना लिया, इस सेट को, इसकी और कोर है, फिर समझने की प्रक्रिया को अलग से रख दिया, और जीने की चीजों को फिर दो तीन खंडों में और बटा है, व्यवहारिक, फिर जीने में, समाज में, एक एक करके, इसमें तीन, इसमें वो जो आठ है उसमें क्लासिफिकेशन, ये चार में आ जाएगा। यू कैन टेक दोस एट एंड प्लेस देम इन दिस फोर, ये चार में प्लेस हो जाएगा। ये फलवत ज्ञान है, ज्ञान का फल, ठीक है। तो ये जैसे पूरकता सही हो गया, अच्छा लगेगा, जीने की जगह ये है। तो हम केवल बुद्धि विलास करेंगे जिएंगे नहीं, ये भी नहीं होगा। हम केवल जीने का प्रैक्टिस करेंगे, बुद्धि हमारा विकसित नहीं होगा, ये भी होगा। यही है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, ये प्रतिभा, ये व्यक्तित्व है, और ये दोनों जीने की योग्यता और समझने की योग्यता, जीने वाले चीजों को भी समझना पड़ता है फिर जीना पड़ता है, समझने वाले चीजों को भी समझना पड़ता है, और समझने के पहले इन सभी लोग चीजों को सुनना पड़ता है, वो श्रवण। ऐसे करते हुए जब हम चलेंगे, सर्वप्रथम भास के स्तर पे समझ में आएगी, डिग्रीज ऑफ नोइंग, देन आभास होगा, फिर प्रतीति होगा। प्रतीति में कुछ ही चीजें, ये यहाँ जो लिखा है मोटा मोटी इतनी ही चीजें प्रतीति की वस्तुएं हैं, जिसको साक्षात्कार कह रहे हैं। तो इसके पूर्व वाले पेज में ये जो छह हमने चीजें लिखी थी, ये सब साक्षात्कार की वस्तु है, अलग अलग विधि से बताया। उसके नेक्स्ट पेज में वो कैसे कंपाइल होता है बताया। और इसमें मूलवत में हूं तो प्रधानता में मूल चीजों को लेके आंशिक रूप में मैं जीऊंगा, ऐसा जीने, लेकिन आंशिक रूप में कैसे, नहीं, ज्ञान का एक भाग ही जीने में आएगा ना, जैसे जीवन ज्ञान हो गया तो वो जीने में उसके कुछ भाग दिखेंगे, पर जो साक्षात्कार की वस्तु है साक्षात्कार में ही रह जाएगी, वो तो जीवन टू जीवन ही दिखेगा। मेरे व्यवहार से आपको मेरा साक्षात्कार कैसे दिखेगा, जैसे आप मेरे घर आए, मैं आपका सेवा करता हूँ, उदारता पूर्वक प्रस्तुत होते हो, उससे आपको साक्षात्कार नहीं दिखेगा, यह फल है। और फल को लेकर मनुष्य पहले से चला ही है, आदर्शवादी परंपरा चली है, आदर्शवादी परंपरा व्यवहार संस्कृति सभ्यता को लेकर चली, भौतिकवादी परंपरा जो है भौतिक सुविधाओं को लेकर चली, डेमोक्रेसी जो है व्यवस्थाओं को लेकर चली, है ना, कम्युनिज्म जो है ये एक कॉमन प्रोडक्शन के सिस्टम को लेकर चली, कैपिटलिज्म जो है उसकी किसी दूसरे विधि से प्रोडक्शन और एक्सचेंज की बात करती है, जितने भी इजम्स हैं ये सब शास्त्र है नीचे, इसके बारे में कोई विचार रहता ही है, ऐसा है, ठीक है। त्रुटि दिखेगा ही, साक्षात्कार वही मनन आते आते कुछ त्रुटियां कम, श्रवण होते होते कुछ बेसिक त्रुटियां चली जाएंगी, कुछ बच जाएंगी, फिर मनन
होने से और कुछ त्रुटियां ठीक हो जाएंगी, है ना, साक्षात्कार पूर्वक और क्लीन अप हो जाएगा, कुछ बचेगा, बोध पूर्वक ऑलमोस्ट क्लीन स्लेट हो जाएगा, एक चीज बचेगा, वो एक चीज भी जो बचा हो वो भी खत्म, त्रुटि खत्म हो जाएगा अनुभव में। वो त्रुटि क्या, त्रुटि नहीं है मतलब, बोध के बाद त्रुटि के रूप में कुछ नहीं है, वो फाइननेस है, फिर रिफाइनमेंट है। अवधारणा के बाद त्रुटि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दिखेगी, फाइननेस बढ़ेगा। करके जा रहे हैं, ठीक है ना, उससे पता चलेगा कि देखना कब बचा है, तो देखने की ओर ध्यान जाएगा, जो कुछ देखा उसको फिर जिक्र देखेंगे ऐसा। बट वो सब अलग अलग वृत्ति के अनुसार है, कोई कोई आदमी नीचे से ऊपर आएगा, कोई ऊपर से नीचे जाएगा, कोई बहुत समय ऊपर में ही रहेगा, तो ऐसा नहीं कि जिएगा नहीं, लेकिन उसकी सार्थकता मतलब क्रमशः ही विकसित होगी। व्यवहार तो करेगा, जैसे अभी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, व्यवहार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं क्या, व्यवहार कर ही रहे हैं, बट वो व्यवहार के अर्थ में ध्यान पूर्वक नहीं हो पाता है। पहले से जो हमारी जो वृत्तियां हैं या जो मान्यता है या जो बाहर की परिस्थिति है उसके अनुरूप हो जाता है, उसके अनुपात में हो जा रहा है, तो ठीक ही है, तो उसमें हिट एंड मिस है। वो कभी हिट हो गया तो हिट हो गया, वही हिट एक दिन मिस भी हो जाता है, कहाँ हो पाता है ना। हम किसी से जैसे प्रेम करते हैं, 15 साल होता है उस दिन प्रेम गोल हो जाता है, किसी से जमती नहीं है पहले दिन से, तो जमी नहीं जमी रहती है, ऐसा है, तो वो सब भी भासी है, उसी के अनुपात में आगे पीछे चीजें होती रहती है, ठीक है। तो ये एक चीज रहा। फिर तो इसमें फिर थोड़ा सा रूप गुण स्वभाव धर्म और स्थिति गति स्पष्टता वाली जो बात है इसको थोड़ा सा फैलाया है। इसको आप अभी चाहिए तो प्रैक्टिस करके देख सकते हो, है ना। रूप जैसे मैंने कहा इकाई के स्तर पर, गुण जो है ये 14 सूत्रों में अंतर संबंध, इसको पढ़ लीजिए जो लिखा है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं। इसको एक ही स्लाइड में, एक ही पेज में ला देता हूं। रीडिंग करना है पेज 14। हाँ रीडिंग करना है इसको, पढ़ो। हाँ पढ़िए ना। ए रूप गुण, तो रूप इकाई के स्तर पर, गुण गति सम विषम आवेश बराबर परस्पर प्रभाव, जाति प्रजाति स्पेसिफिक है, सत्य धर्म न्याय नियम, फिर स्वभाव धर्म सत्य, स्वभाव में गुणों की उपयोगिता, प्रयोजन मौलिकता, व्यवस्था में भागीदारी, धर्म में अस्तित्व होना, फिर सत्य, अवस्था अस्तित्व, ये यूनिवर्सल, ये स्पेसिफिक, यूनिवर्सल में श्रम गति परिणाम। ठीक है, इस पर हम थोड़ी सी बात किए थे। चश्मा ऊपर रखे रहता हूँ, नीचे ढूंढते रहता हूँ। ये तो रूप गुण स्वभाव धर्म, तो इकाई के स्तर पर रूप परिभाषित है, गुण या गति या प्रजाति के स्तर पर परिभाषित है, जो सम विषम के रूप में है, है ना। तो सम विषम गतियों को आवेशित गति बोल रहे हैं। तो एक एग्जांपल है ये, हम पहले भी इस पर थोड़ी सी बात की, पुनः ये आ गया, एक उदाहरण है। तो ये जाति और प्रजाति के स्तर पर है,
स्वभाव को देखेंगे तो गुणों की उपयोगिता, प्रयोजन या मौलिकता या व्यवस्था में भागीदारी बोल सकते हैं, ये अवस्था के स्तर पर सेम है ना। और धर्म जो है ये अस्तित्व के स्तर पर, धर्म और सत्य तो इकाई तक धर्म है, फिर जैसे ही सत्य बोलेंगे उसमें व्यापक वस्तु भी जुड़ जाता है, तो ये संपृक्तता है, इसी को फिर सत्यता कह रहे हैं। तो सत्यता में ही इसको फिर सबको मिला के फिर सत्यता, वास्तविकता, यथार्थता कह रहे हैं। तो ये सत्यता हो गया, ये पूरा ये यहाँ से वास्तविकता दिखता है, फिर इसको जब देखते हैं तो पता चलता है सारा मिला के वास्तविकता है और ये यथार्थता है। उसी के अलग अलग जो आयाम है, ताकि अनेकों जगहों से जब उसको बताते हैं तो हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होके हम उन वस्तुओं को समझ सकते हैं। तो ये स्वभाव, धर्म, सत्य यूनिवर्सल, मतलब ये सार्वभौम वाले पक्ष हैं, और ये स्पेसिफिक वाले हैं, ये इकाई के अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए नीम के पेड़, आम के पेड़ और मेंढक जैसे अलग अलग चीजों में, और एक छिपकली में यदि देखेंगे तो रूप और गुण में बहुत भेद है, बट इन सभी का स्वभाव धर्म एक ही है, अस्तित्व सहित पुष्टि। मेंढक में देखेंगे तो थोड़ा जीने की आशा जैसे, और मानवों में भी देखेंगे तो धर्म सभी का एक ही है, मानवीयता अमानवीयता के अनुसार स्वभाव में भी अंतर है लेकिन मौलिक स्वभाव एक ही है, सत्य सबके लिए एक ही है। फिर आप इस धर्म को मानते, मैं उस धर्म में खाता हूँ, मैं अंडा खाता हूँ, आप मुर्गी खाते हैं, इससे सत्य बदलता नहीं, सत्य सत्य ही होता है ना। गुणों के जगह पर देखेंगे तो शरीर के गुण सबके अलग अलग हैं, कोई पतला मोटा है ना, और मैंने वात पित्त कफ ये सब। और जीवन के स्तर पर देखेंगे या मानव के रूप में देखेंगे तो गुण अलग अलग हैं, एक आदमी उदार है, एक कृपण है, एक ये है वो है। रूप के स्तर पर देखेंगे तो सर्वाधिक डिफरेंसेस है इसमें, तो फिर भी मान लो 12 प्रकार के ह्यूमंस को हम पहचान सकते हैं 4 ग्रेड में, कुछ उदारता अधिक वाले, कम वाले, उसके कुछ कुछ कॉम्बिनेशन आएंगे। बट रूप पे आप देखेंगे तो एक आदमी दूसरे जैसे दिखता ही नहीं, बहुत कठिन है, वो ट्विन भी होता है तो अलग ही होता है, बहुत रेयर है कि बिल्कुल ही फोटो मैच आएगा। जैसे दो आम के पेड़ हैं, दोनों आम है, वो पेड़ के रूप में एग्जैक्टली सेम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बट जैसे पदार्थ में आते हैं तो उसमें सिमिलरिटी बहुत जल्दी दिख जाता है, और पदार्थ में परमाणु के स्तर पर देखेंगे तो उसका जो स्थूल रूप है वो अलग अलग दिखेगा, परमाणु स्तर पर एक ही रूप है। जैसे सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो स्ट्रक्चर एक ही होता है, कोई भी दो ऑक्सीजन का या आयन का, लोहे का ना, उसके स्थूल रूप को देखेंगे तो लोहे का एक किला और लोहे का पट्टी और लोहे का सरैया में बहुत अंतर है, गुण एक ही है, लोहत्व है, लेकिन उसके थिकनेस के अनुसार उसकी वेट बेरिंग कैपेसिटी, लोड बेरिंग कैपेसिटी में अंतर होगा, स्वभाव एक ही है। और वो जो धर्म है वो सभी के साथ शेयर करता है, अस्तित्व धर्म है, दिव्य मानव से लेकर लोहे तक अस्तित्व धर्म कॉमन। ऐसा अध्ययन हम कर सकते हैं, करना चाहिए, करेंगे ऐसा। और ये वाली तो बात मैंने थोड़ी सी रखी थी कि नियम, न्याय, धर्म, सत्य है ना, वस्तु के रूप में ऐसे टेलीस्कोपिक है। तो केवल सत्य बात करेंगे तो उसके मूल में धर्म, न्याय और नियम समाया, धर्म की बात करेंगे तो मूल में सत्य, न्याय, नियम है, न्याय की जब बात करें तो नियम, धर्म और सत्य है ही, अलग अलग नहीं है। फिर हमने इसको जोड़ा, इन दोनों को अध्ययन के क्रम में। फिर श्रम, गति, परिणाम, तो समाधानात्मक भौतिकवाद में हम पढ़ते हैं उसको, उस सूत्र को लिया, इसको इसके साथ जोड़ा, इसके इसके साथ जोड़ा। फिर स्थिति, गति जो लिखा मैंने, कॉन्टेक्चुअल है, मतलब यह है एग्जाम्पल अनेक भाषाओं को एक ही अर्थ में केंद्रित करने का। स्थिति गति, व्यापक स्थिति है तो क्रिया गति में, धर्म स्थिति है तो स्वभाव, स्वभाव स्थिति है तो गुण गति, धर्म और स्वभाव स्थिति रूप और गुण गति, जीवन स्थिति मानव गति, मानव स्थिति आचरण गति। तो कभी मानव गति में दिख रहा, कभी स्थिति में, देखने के दृष्टि के अनुसार है ना, कहाँ तक, प्रत्यावर्तन, परावर्तन, आचरण, परिवार, परिवार, कुटुंब, कुटुंब, समाज, समाज व्यवस्था, बल, शक्ति है ना, वैसे ही स्थिति, मूल्य, गति, मूल्य, ऐसा है।
पूरे अस्तित्व को स्थिति गति के आधार पर भी परिभाषित किया गया दर्शन। कुछ कोर चीजों को रखा है इधर एग्जाम्पल के रूप में। तो यहां तक शास्त्र अध्ययन पर में बहुत मतलब एक एक के बहुत विशद विश्लेषण में अपन नहीं गए हैं। तो अभी तक शास्त्र अध्ययन के संदर्भ में कोई बातचीत आपको रखनी हो या पूछना हो तो रख सकते हैं। हाँ, यह जो हम जो समधि बोलते हैं ना, जिनके यहाँ भी शादियों में जाते हैं, बर्थडेज में जाते हैं, मृत्यु में जाते हैं, ये कुटुंब है। तो आपका परिवार का आचरण कुटुंब में दिखता है। वो कुटुंब का जो आचरण है वो उसमें जो परिवार है उनका सम्मिलित आचरण वो कुटुंब। अब वो कुटुंब मतलब वो सरनेम से तो आता नहीं, यहाँ जैसे मैं साहू बोलने वाला था बट यहाँ इतने साहू हैं छत्तीस, यहाँ बो ही नहीं सकते साहू कुटुंब। एक बार 2010 में मुझे अईवारा जाना था कुछ लानों के लिए, हमारे साथ एक व्यक्ति थे उनके नाम साहू कुछ है साहू। तो मैंने उनको कहा साहू जी चले अईवारा, उन्होंने कहा एक मिनट में साहू जी को बोल के आता हूँ। उससे कुटुंब नहीं आता है। तो वो पर्टिकुलर साहू का जो वो कुनवा है तो साहू समाज होता है, फिर वो समुदाय। जैसे जैन धर्मशाला, दिगंबर जैन धर्मशाला, जो दिगंबर जैनी परंपरा उन्हीं के लिए धर्मशाला है, श्वेतांबर जैन परंपरा, मारवाड़ी धर्मशाला सभी के लिए खुला है या केवल मारवाड़ियों के लिए खुला है, वो कुटुंब नहीं है, वो तो जाति है या कई बार प्रजाति होता है, क्योंकि जाति का और बड़ा क्लासिफिकेशन है भारत में ना। भारत में भी आदमी चुप कहाँ बैठा, बहुत सारा खेला है सबको लेकर, चार जाति बनाए है ना, फिर उसमें छोटा टुकड़ा बनाया और ब्राह्मण को बनाया, फिर उसमें 5-10 सारूपरायण इधर उधर, ये नॉर्थ की तरफ कान्य कुब्ज सारूपरायण ये सब है, साउथ में तमिलनाडु जाओगे तो दो है अय्यर अयंगार, ऐसा दो है। ये जो गूगल एक कंपनी है उसका जो सीईओ है उसका जाति अयंगार है, और माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका सीईओ अय्यर है। तो मैं किसी को जोक कर रहा था कि पहले ये तमिलनाडु में झगड़ा कर रहे थे, अब अमेरिका में जाके कंपनी के थ्रू झगड़ा कर रहे हैं, ये दोनों कंपीटिंग कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ऐसा। तो ये यदि देखे तो ब्राह्मणों के ही वर्ग हैं, फिर क्षत्रियों का हो गया है ना, फिर जो व्यापारी वर्ग है उसमें बहुत सारे हैं, माहेश्वरी अग्रवाल है, गुप्ता है, बंसल है, बर्ग है, गर्ग है, अलग अलग सरनेम उसको रूट में जाएंगे, कुछ कुछ है जैसे अग्रवाल है हमारे बहुत सारे इधर अग्रवाली है रायपुर में, जो कभी ट्रेडिंग के लिए वो एक अग्रसेन चौक है, वो अग्रसेन महाराज के अपने आप को मंशद मानते हैं और ऐसा सब है। तो वो कुटुंब नहीं आएगा, बट उसमें भी एक कुछ चीजों के समानता है, जैसे मारवाड़ी थाली अलग ही होता है ना, कल में खा के आया मारवाड़ी थाली बट वो स्क्वायर शेप का था, राउंड रहता है, बड़ा रहता है, ऐसा सब। तो इसकी अलग अलग जगहों पर ये सारे गुण हैं। अब सारे मारवाड़ी रूप में एक जैसे दिखते हैं ये नहीं मिलेगा आपको, नहीं, अलग अलग वो ज्योग्राफी से है, उस क्षेत्र के लोग एक जैसे दिखते हैं। जैसे पंजाब का स्किन टोन अलग है, साउथ का स्किन टोन अलग है ना, महाराष्ट्र का स्किन टोन अलग है, छत्तीसगढ़िया का स्किन टोन, यहाँ कोई छत्तीसगढ़ी है, लोकल छत्तीसगढ़ी आप ही लोग हैं, एक दो साहू राठौर, अच्छा आप लोग तो हैं। आपका क्या, आपको फुल नेम क्या लिखते हैं, सोनी छत्तीसगढ़। इसके भी मैंने हिस्ट्री में जाएंगे तो शायद साहू ही एक वो है कि इसका ट्रेस नहीं है, लगता है कि यहीं के बन गए, बाकी बहुत सारे यहाँ के लोग जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं इधर उधर से आ गए एट सम पॉइंट इन टाइम, जैसे वर्मा शर्मा इधर के हो गए बट कहीं कहीं से आए, यूपी से निकल के आ गए, बस गए,
जो ट्राइबल्स हैं उनके क्या क्या नाम रहते हैं इधर, क्या क्या सरनेम आता है? टिग्गा है? हाँ अच्छा, जांगड़े ये सब। अच्छा ये जितने भी नाम है ये मराठी से प्रभावित हैं, ये साउंड जो है दीज आर मराठी साउंड्स। खर्रे, एक खरे है वहां, वहां से कुर्रे खर्रे आ गया इधर। गुजरात में जाएंगे तो शाह पटेल, पटेल कम्युनिटी, बट पटेल कम्युनिटी वो नहीं है, इट्स नॉट अ कुटुंब। फिर तो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है फिर वो कुटुंब के साथ, परिवार के साथ, देश के साथ, इसकी अलग 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 लेयर्स बनी है। दर्शन क्या करता है, उसको निकाल के अस्तित्व के एक उसमें डाल देता है ना, ये सब कॉमन है। इसीलिए मानव जाति एक मानव धर्म है, ये नहीं समझ में आता है वो नहीं समझ में आएगा, ये मूलवत ज्ञान है। सुनने के लिए अच्छा लगता है, कामना के रूप में यूनाइटेड नेशंस है, बिल्डिंग अंदर सब झगड़ा कर रहे हैं, यही होगा, वो कामना है। तो सच्चाई की कामना मनुष्य में होती है, और सच्चाई समझे बिना वो फलित नहीं होगा। कहाँ यूनाइटेड, झगड़ा ही हो रहा है ना, यूनाइटेड नेशंस इज डिसयूनाइटेड अंडर द बोर्ड, बट कम से कम कामना तो बनी, उसके पहले वो भी नहीं था। तो शास्त्र अध्ययन के स्टेज में ऐसे बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे, और जो सबसे फैंटास्टिक जो फ्रेम है दर्शन को समझने के लिए वो यही है, रूप गुण स्वभाव धर्म एक कॉलम में और एक रूप में, पदार्थ प्राण जीव और ज्ञान, इसमें आप पूरे संसार के सारे बुक्स को कंप्रेस कर सकते हो, जितना आदमी अभी तक लिखा है। मैं रोक लेता हूं, आप बताइए। थोड़ा सा मैंने बेसिक ओवरव्यू किए हैं, बहुत डिटेल में शायद हम नहीं गए, मतलब जैसे ये शब्दों की क्लासिफिकेशन, अब ये इतने ही शब्द इसमें क्यों है, इसमें चाहिए तो अभी हम जा सकते हैं, बट वील पॉज हियर, क्योंकि ये स्थिर होना आवश्यक है कि शास्त्र, उसके बाद मनन तो मैंने ओवरव्यू में बता ही दिया है, उसके स्पेसिफिक डिटेल में जाना है कि नहीं हम देख लेंगे। तो ये इसको इस विधि से देखने से पता चलता है कि पठन, श्रवण और शास्त्र अध्ययन, इन तीनों शब्दों में घटना के रूप में हमको अलग अलग फिर उसके अर्थ प्रतीत होगा। पठन एक फिजिकल प्रोसेस है ना, मतलब उसमें आंख, कान, नाक, इंद्रियों से अंदर आ रहा है, जो अंदर आ गया वो श्रवण है, जो अर्थ आ गया केवल शब्द आ गया स्मरण फर्स्ट, ठीक है। तो पठन का अभ्यास हो सकता है, ध्यान पूर्वक पढ़ने से श्रवण होगा, फिर वो श्रवण सही है गलत है वो उसको चेक करना पड़ेगा, हमने सुन लिया तो वो सही हो गया ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, इसीलिए फिर परिभाषा संहिता दिया, तो परिभाषा के आधार पर उसको जांचना पड़ेगा, ठीक। फिर उस श्रवण को स्थिर करने के लिए शास्त्रों के द्वारा करने जाएंगे तो कनेक्शंस बनेंगे, वो शास्त्र ऐसा लिखा गया है कि सही कनेक्शन की ओर हम जाए, उसको करते हुए कई सारा क्रिस क्रॉस कनेक्शन हमारा बन जाएगा स्थूल रूप में, है ना, अलग अलग कहीं का शब्द उठा के कहीं बिठा दिया हमने, कहीं का निकाल के कहीं बोल दिया, ये खिचड़ी पकेगी। फिर थोड़ी देर के बाद मतलब उसमें जो हमारा जो भी अभ्यास होना है, ऐसे करते हुए यदि हम पूछेंगे कि भाई ज्ञान के दृष्टि से हम कहाँ पहुंचे, तो भास और आधा आभास में पहुंचे, लेकिन भास आभास प्रतीति अनुभूति चार शब्द है, ये मनुष्य के 8000 साल के इतिहास को बताता है। अभी तक आदमी 2500-3000 वर्षों में इस धरती पर जो किया वो भास और आभास में खत्म हो जाता है, कुछ प्रतीति अनुभूति होगी उसमें।
इतनी लंबी प्रक्रिया मनुष्य की जागृति की है ना। और इस बीच में बाकी सब होगा, आइसक्रीम खाएंगे, खाना खाएंगे, चाय बनाएंगे, शादी करेंगे, है? बच्चा स्कूल जाएगा, पैसा खर्च होगा, बैंक का एफडी का रेट गिरेगा, उसको निकालेंगे पैसे, है? बल्ब फ्यूज हो जाएगा, चलता रहेगा ये सब। वही बोला ना, वास्तविक रूप में तो व्यवहार अभ्यास बाद में ही होगा, लेकिन ये होते होते तो शास्त्र को हम मैंने वो थोड़ी को जीना थोड़ी बंद कर देंगे। शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं तो एक आदमी मौन व्रत में चलेगा क्या जी? वो 12 साल से शास्त्र अध्ययन कर रहा है तो हिल भी नहीं रहा, मौन व्रत में है, उठता है, बाथरूम जाता है, आके बैठ जाता है, शास्त्र अध्ययन कर रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, आपको 20 मिनट में तृप्ति होती है, 20 मिनट करेंगे, इनको 4 घंटा में तृप्ति होती है, 4 घंटा करेंगे, ये कमरे में बंद हो जाते बोलते 12 घंटा तक बाहर नहीं निकलूंगी, ठीक है, कभी तो निकलोगे ना, निकलोगे, आदमी साथ में आदमी मिलेगा तो आज कैसे हो, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ जैसे बोले व्यवहार शुरू। व्यवहार कैसे रोकोगे? खाओगे, खाओगे तो कहीं से आएगा, उसके लिए कुछ काम होगा, आपने कर रहे हैं, आपके पिताजी कर रहे हैं, आपके पिताजी कर रहे हैं तो आप कम से कम प्लेट तो धोगे, ठीक। तो जो हम समझ रहे हैं उसके अनुपात में जितना अच्छा हो सकता हमसे उतना करेंगे, उसके अनुपात में हमारी में इम्प्रूवमेंट होगी। वो जो प्रिंट आउट है 98 पेज का दीजिए। ये मैंने रोक दिया आप लोगों को सोचने के लिए,
नहीं रखे रहिए, मैं घर जाके कर लूंगा चेंज पेज नंबर, कुछ फाइन ट्यूनिंग, बाकी कुछ नहीं, कुछ ध्यान में आ जाता है तो फिर वो फाइन ट्यून हो जाता है। पेज नंबर 6, संकलन एक है ना, वो कल मैं आपको बताया, वो मैं ठीक कर दिया, bit.ly/परिचय पठन इसमें है ना, आप उधर जाएंगे तो दोनों डाल दिया है, और एक संकलन 3 भी आएगा थोड़े समय में, बस इंट्रोडक्टरी 3 ही है, फिर पुस्तकें हैं, फिर पुस्तकों के लिए ये अध्ययन सहायक संकलन है 98 पेजेस वाला जो दिया, देखिए आप इधर जाएंगे तो परिचय रिसोर्सेस और स्लो है इंटरनेट, इस साल का, इस वेबसाइट का प्रथम दशक पूरा हो गया, 2012 में बना था ये, 2022 कंप्लीट हो गया, एग्जैक्टली जनवरी 12, जनवरी 23 नाउ, सो 11th ईयर, 11 इयर्स हो गया, 12th ईयर, सहस्त्र तो आधे परिचय पहले ही दिया है, और संपूर्ण परिचय सामग्री में जाएंगे तो कुछ सुझावित सामग्री दिए हैं, बाकी यहाँ पर जो ये फर्स्ट टाइमर के लिए है, परिचय शिविर करके इतने साइट में घुसता है तो ये सब में घूम जाएंगे, इतना सारा कहाँ जाऊं भाई, तो इंट्रोडक्शन में ही दिया है इंट्रो रीडिंग, थोड़ा इंग्लिश में रखा है ये मान करके कि अभी पढ़ा लिखा आदमी ही वेबसाइट इंग्लिश तो जानता ही है, ऐसा हर आदमी अभी पढ़ा लिखा है, बिना पढ़ा लिखा भी मिलता कहाँ है, सबको तो स्कूल में डाल दिया सरकार ने, ठीक है, तो इंग्लिश वाला अलग से दे दिया है, अब ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है तो इंग्लिश के लिए दिया है, फिर वीडियो दिए हैं, परिचय वीडियो इंग्लिश में वीडियो है ना, और वीडियो कलेक्शंस दे दिया, ये पर्याप्त है परिचय के लिए, परिचय जो है ये ऊपर का हमारा इमेज गोल हो गया, परसों से पढ़ने क्या हो गया उसको, इसमें यदि आप देखेंगे तो परिचयात्मक लेख बाबा जी के, ये अभी कंपाइल होके एक बुक में आ जाएगा, अभी उस पर काम करेंगे कभी, परिचयात्मक पुस्तक 1, 2, 3, जीवनोद्वेग परिचय, सहस्त्रतादिक परिचय एंड मध्यस्थ दर्शन एक अवलोकन, ठीक, किधर पठन, नागराज जी के बारे में चर्चा, तो प्रणेता के बारे में पहले ही हमको जानकारी मिल जाए, फिर विद्यार्थी द्वारा यदि वो लगता है कि अभी ग्राह्य नहीं हो रहा है, अब हम लोग लिखेंगे तो उनके अनुपात में हमारा भाषा सिंपल ही बनता है, ये कभी बहुत पहले लिखा था, इसकी पृष्ठभूमि, इसका एक सिंहावलोकन मतलब अवलोकन, चेतना विकास मूल्य शिक्षा जिसको कह रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन का एक सामान्य परिचय है उसमें, वो भी थोड़ा टफ ही है वैसे जो लिखा है, अतिरिक्त परिचयात्मक लेख नागराज जी के यहाँ इतने हैं, पर्याप्त है इंट्रोडक्टरी मटेरियल दर्शन में घुसने के लिए, है ना, फिर परिचयात्मक ऑडियो है नागराज जी के, और अलग से बाबा जी का एक चैनल है, उस पर परिचय वीडियो अभी डाल रहे हैं, अभी होगा टाइम लगेगा, वो डल गया तो उसको भी हम यहाँ डाल देंगे इंट्रोडक्टरी वीडियोस में, नागराज जी का है वीडियो परिचय, नागराज जी जीवनोदय परिचय का जो वीडियो है सीधा लिंक है, तो ये पेज ऐसा बनाया है कि क्योंकि बहुत सारा है, कहाँ से शुरू करें, मुंडी कहाँ से डालें, इधर से मुंडी डाल सकते हैं, इसी में यदि तृप्ति हो जाती है तो ठीक है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है तो अध्ययन में आओ, अध्ययन क्या है, कहाँ से शुरू करना है, इसका मैं सब इंग्लिश में लिखा है, अध्ययन के बिंदु कहाँ कर सकते हैं, अध्ययन ज्वाइन करना और अध्ययन सामग्री, इस पेज को थोड़ा मुझे अपडेट करना है, कुछ टूटा है, बाकी ये सब है, ये अभी सब साइट इंटीग्रेट होके इसमें आ जाएगा एक आधा वर्ष में, तो इजी पड़ जाएगा, अभी अलग अलग हो गया है, 3-3, 4-4 हो गया साइट, तो ऐसा सब है, तो हमको ये दिखता है कि कुल मिलाकर अपना अभी जो हम शास्त्र अध्ययन श्रवण की जो बात किए,
उसमें ये क्लाउड लिंक जहां से चल रहा है, इसकी सर्वर स्विट्जरलैंड में है, वहां से अछोटी में देख रहे हैं हम, स्विस कंपनी है। मैं बाहर के सर्वर में लगा ये सोच के कि भारत यदि डूब गया तो बाहर बचा रहेगा। मान लो यहाँ के सर्वर सब उड़ गए, इनका बैकअप डैलस में है, तो पूरा मध्य दर्शन मिटने के लिए 3 कॉन्टिनेंट को डूबना पड़ेगा, तब मिटेगा। अविनाशी बना दिया उसको इस क्लाउड में डाल के, स्विट्जरलैंड को भी डूबना पड़ेगा, डैलस को भी डूबना पड़ेगा, इंडिया को भी डूबना पड़ेगा। थोड़ा कठिन है ना, तो बचा रहेगा बाद में जिसको पढ़ना है। दर्शनों की इतिहास हजारों वर्षों की चलती है, ये 10-20 वर्ष का नहीं है। तो कुल मिलाकर शास्त्र अध्ययन में मुख्य बिंदु, यदि हम बिंदुवार देखेंगे, फर्स्ट जो हमको समझना है, पठन से श्रवण, श्रवण मतलब भाषा का अर्थ, पठन शब्द। तो जिनको पढ़ने का ही अभ्यास नहीं है उनको पढ़ने का अभ्यास करना पड़ेगा, जिनको हिंदी पढ़ने का अभ्यास नहीं उनको हिंदी पढ़ने का अभ्यास करना पड़ेगा, जिनको ऐसे भाषा ही पढ़ने का अभ्यास नहीं वो भाषा का अभ्यास करना पड़ेगा ना, दार्शनिक भाषा का। बड़ा मुश्किल है यार ये, पहले मुझे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चश्मा लगता नहीं था, 44 के बाद आंखों की कुछ शेप बदल गई, अब बड़ा वो हो गया, उसको पहनते निकालते करना पड़ता है, बहुत पास देने से फिर दिखता नहीं, बहुत दूर का फिर दिखता नहीं ना, श्रवण से अर्थ। तो यहां से हम वस्तु को समझना, इसमें तर्क भी जुड़ता है, ठीक, फिर इसका अर्थ का निष्कर्ष, ये निष्कर्ष में स्थिरता, मतलब हम श्रवण की एक जगह तक आ गए। स्थिरता में क्या है, समझने की वस्तु क्या है, ये क्लियर होता है, और जीने की वस्तु क्लियर होता है। ये पूरा मिला के हम शास्त्र अभ्यास या शास्त्र अध्ययन कह रहे हैं। होता क्या है इसमें, भास आभास, आभास जैसे होता है आगे की वस्तु का वो बनता है, ठीक। जितना हम करेंगे इसके साथ, जीना रुकेगा क्या, नहीं, ये हमारे, मान लो ये हमारे अंदर होने वाली प्रक्रिया है, भीतर है ना, जीवन के, बाकी शरीर के साथ शरीर व्यापार चलता रहेगा, मानव के साथ व्यवहार चलता रहेगा, कोई ना कोई कार्य हम करेंगे ही, उसको बेचेंगे, उसका विनिमय होगा, और किसी न किसी व्यवस्था के अंग आदमी मानव रहता ही है ना, तो उसमें समाज हो गया, समाज की सिस्टम्स हो गई है ना, दीपावली मनाएंगे, ठीक है ना, विजयदशमी दशहरा मनाएंगे, बट उसमें रावण के प्रति द्वेष नहीं होगा, अभी द्वेष में चले गया, रावण का मुंडी जला के लोग फिर लोग व्हाट्सएप में आजकल भेजते हैं कि वो 10 जो है वो काम क्रोध लोभ उसको जलाना था और तुम मुंडी जला रहे हो, ऐसा सब मैसेज आता है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई सभ्यता रहेगी, तो सभ्यता में हम लोगों के विवाहों में जाएंगे ना, उनको बच्चों से मिलेंगे, ये सब करते करते किसी दिन हमारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उसका डायपर आएगा। तो जितना जितना ये स्थिर होता है उतने के अनुपात में ये फिर मनन में आएगा ना, इससे हमारे अंदर की तृप्ति बनेगी, ये फैलेगा, ये सब रिफॉर्मेट होते 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 साक्षात्कार। मनन में जो है ये अभ्यास स्थिर होता है, उसके पहले इस अभ्यास की स्थिरता नहीं आएगी, ओके,
मैं भी लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ उर्दू जैसा, और ये अवधारणा में ऊपर में स्थिरता या स्थापित हो जाएगा, इट विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड जीना विल आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड, स्थापित होना। ठीक है, बहुत सिंपल रूप में देखेंगे तो ये क्रम है। और तो इसका आउटकम क्या है, अर्थ और निष्कर्ष की स्थिरता ना, फिर भाव रूप में स्थिरता, और उसके अर्थ में हम केंद्रीकृत करना, साक्षात्कार में वस्तु का ज्ञान होता है, केंद्रीकृत हुआ वो होते होते यहां स्थिर हुआ, ये अध्ययन का पूरा एक पैड है। इसके बाद है फिर ये जो अवधारणा है ये बोध में परिवर्तित होके बोध अनुभव में परिवर्तित होता है। इसमें भी ये जीना बना ही रहता है, ये जो जीने का पैड है ना, इसमें भी बना ही रहता है। यहाँ बोर्ड खत्म हो गया, अदरवाइज यहाँ बोध अनुभव ऐसे लिखते हुए जीने वाला बनता ही रहता है, ये खत्म नहीं होता है। ठीक है ना, जो परंपरागत साधना है उसमें क्या है, वो बोलते हैं ये सब इसको गोल कर दो, केवल इसको करके ठट 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 करके आउट मोक्ष। और भौतिकवाद में क्या होता है, केवल इतने पर ध्यान दो, ये भौतिकवाद, इसके अंदर क्या होता भगवान जाने। अब हो गया, हेलो। अच्छा बट अभी वो ब्लिंक करता बताते हैं, जब उसका बैटरी कम होता है तो बैटरी। हेलो, गया, कैसे खोलेंगे। पढ़ा नहीं, अच्छा ये उसमें भी जा रहा है क्या ये। अच्छा मुझे नहीं पता था, ओके ठीक है। तो ये अध्ययन के चरण, तो कल हम जो बात किए थे कि ये अर्थ की निष्कर्ष और स्थिरता यहां हमको दिखेगी, तो ये ए ये बी ये दोनों मिलके सी ये डी फिर ये अध्ययन नहीं है, तो बोध तक अध्ययन, अभी हमारे लिए अवधारणा तक अध्ययन, फिर अवधारणा से बोध, या बोध का मतलब पूर्ण बोध, ओके। अवधारणा का मतलब अध्ययन बोध, फिर इसको और क्लब यदि करेंगे कि स्थितियों के रूप में यदि देखेंगे तो ये श्रवण से लेकर मनन तक, शास्त्र अध्ययन से लेकर श्रवण तक एक स्थिति है एक, फिर साक्षात्कार से वो अवधारणा में जा रहा है या इसमें है दो, और या तो बोध है या अनुभव है तीन, ये तीन डिस्टिंक्ट मानव है। तो श्रवण और मनन
किसी का है, किसी का श्रवण में है, मनन में है, कहना उतना आसान गेम नहीं है। बहुत महीनता से देखना पड़ेगा कि मनन में है कि श्रवण में है, नहीं पता चलेगा। हाँ, श्रवण का अधिकार समझ में आएगा क्योंकि वहां से बैठ के हम एक क्वेश्चन को शूटिंग करते रहेंगे और कितना क्विकली आंसर आता है ना, और कितना कंसिस्टेंटली आता है, इससे आप अनुमान लगा सकते एक व्यक्ति के श्रवण का कि कितना अधिकार बना है एक्सप्लेनेशन से। वो मनन कर रहा है कि नहीं पता होने के लिए आपको मनन पता होना चाहिए, नहीं तो कोई विधि नहीं आपके पास पता करने का। उसका श्रवण ही मनन जैसे दिखेगा, और यदि अवधारणा का सेंस नहीं है उसका श्रवण अवधारणा जैसे भी दिख सकता है, और यदि बुद्धू बनना है तो श्रवण बोध जैसे भी दिख सकता है, अनुभव जैसे भी दिख सकता है। वो महान बुद्धू बनना है या बनाना है, ठीक है ना। लेकिन श्रवण को आप जान सकते हैं, कुछ भी पूछो उत्तर देता है, और शास्त्रों में उसका वो है, वो भी चाहिए, बोलने वाले तो बहुत हैं, ठीक है ना। तो श्रवण में क्या कह रहे हम, पुनः पठन, अभी हम पठन में हैं, अभी आपको ओवरव्यू मिला है, आपने डिसाइड किया है कि मैं क्लास में एंट्री लूंगा 6 महीना का शिविर आके, तो पठन की जो पूरी स्पेक्ट्रम है आपको ध्यान में आई है, इतना सब है तामझाम। इसको 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने का अभ्यास, शब्द जो है स्मरण में आया, ये भी जीवन के चित्त के स्मृति पटल में जाता है, शब्द अर्थ में कन्वर्ट होता है मन में, चित्त उसको कैप्चर करता है तो वह अर्थ पुनः स्मरण में आएगा। ये हुआ भास, भाषा का अर्थ भास होना। ऐसे अनेक भाषा सहित अर्थों को हम मिलाते हैं समझने के उद्देश्य से, तो उसमें तर्क जुड़ता है, वो अर्थ संगति के लिए तर्क का प्रयोग होना, ये आभास का परिभाषा है, याद है, अर्थ संगति के लिए तर्क का प्रयोग होना, फलस्वरूप अस्तित्व में वस्तु रूप में स्पष्ट होना, या अर्थ अस्तित्व में वस्तु के रूप में स्पष्ट होना, फलस्वरूप तर्क संगत होना। तो ये जो अर्थ अस्तित्व में वस्तु रूप में स्पष्ट हुआ, ये आभास की भी पूर्णता हो सकती है, ये साक्षात्कार भी हो सकता है सीधे, वो उस जीवन पर डिपेंड करता है, ठीक। बट कुल मिलाकर अभी तो आभास, आभास होने से क्या हुआ, वो जिस अर्थ को हम समझना चाह रहे थे कि न्याय क्या है, उसमें फिर संबंध भी आ गया, मूल्य भी आ गया, मूल्यांकन भी आ गया, उभय तृप्ति, वो सबको मिलाने से पुनः न्याय स्पष्ट होता है, न्याय की एक बड़ी चित्र बनती है, एक बड़ा अर्थ बनता है, न्याय इतना छोटा नहीं है। फिर संविधान को हम पढ़ेंगे, न्याय बोला, न्याय तो बीज वृक्ष में भी चले गया, ठीक है। फिर संविधान में पढ़ेंगे तो हर जगह न्याय आएगा, समाज न्याय, ये न्याय, वो न्याय, नियम। पहले नियम केवल हम पेड़ पौधों तक रखेंगे, सिंपल, उसके बाद मानव के व्यवहार के नियम, फिर एक शब्द आएगा नियम ही न्याय, वो घुल कर देगा। ये सब घुल करके ये जो अर्थ है ये हमारे अंदर निष्कर्ष के रूप में स्थिर होना, उसमें फिर दो ही मुद्दा है, समझने का वस्तु डिस्टिल होके आना, जीने का वस्तु क्लियर लिखना। समझने का वस्तु बराबर जानना मानना, फिर पहचानना निर्वाह करना। ये करते हुए एक छोटा बच्चा, 7 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के व्यक्ति तक, 90 का एक एज मान लेते हैं, ये होते होते शरीर व्यापार होते ही रहेगा, भूख प्यास पेशाब ये सब होता रहेगा, मनुष्य के साथ व्यवहार होता रहेगा, है ना। ये पढ़ने के साथ पहले से हमारे अंदर जो था वो बीच बीच में फायर होगा, बीच बीच में वातावरण का दबाव आएगा, और बीच बीच में हमारा श्रवण याद आएगा कि यार वो तो मित्र संबंध में मैंने पढ़ा था कि मित्र तो प्रगतिशील है और मैं इस पर चढ़ाई कर दिया, ये सब चलेगा। बट इसको हम स्व मूल्यांकन में का शुरुआत है ये, ठीक। वैसे ही कार्य कुछ ना कुछ काम करेंगे, 7 वर्ष का बच्चा भी घर पे कुछ बर्तन उठा के देता है माँ को, कोई आया तो बोलते बेटा पानी दे दो, वहां से लेकर पानी को मैंने एक कुआं बना के उसको खेती करने तक उसकी पूरी एक लंबी वो है। तो डिपेंडिंग ऑन किस फेज में एक आदमी एंटर करता है, उसमें पुरानी वाली आदतें हैं कि नहीं है, है ना,
वो इधर आएंगी। ठीक, तो कुछ चीजों को हम यहाँ ठीक करेंगे। तो यदि हम बढ़िया पोस्ट डॉक्टरेट करके हम अध्ययन करना आते हैं तो हमको हाथ पैर से कुछ करना आता नहीं। मैंने मैं मान लो कि नैनो टेक्नोलॉजी में मैंने वो किया, मैं वो इतना छोटा सा बारीक बारीक मशीन से आपने मेरे को फावड़ा दे दिया, बोला श्रम का अभ्यास करो। बहुत बड़ा है ना, नैनो मतलब सर्वाधिक सूक्ष्म, जैसे मैं सॉफ्टवेयर में था। सॉफ्टवेयर को यदि सोचें तो श्रम के पूरे क्रम को यदि हम सोचें तो पदार्थ अवस्था का सबसे जो स्थूल स्तर है कार्य करने का वो है फावड़ा, और उसका जो सबसे सूक्ष्म स्तर है वो है सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप ब्रेन बना रहे हो, मतलब ब्रेन चलने का सॉफ्टवेयर है, ब्रेन के नियमों को बना रहे हो आप। ब्रेन बनता जो है वो है इंटीग्रेटेड चिप, आईसी, जो कंप्यूटर का हार्ट है, डिवाइस आपके फोन पे है ना। जैसे आपके फोन में जो एंड्रॉइड का जो ओएस एक आदमी ने बनाया, उसको उत्पादन मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या है वो, उत्पादन है कि व्यवहार है? उत्पादन है, लेकिन क्योंकि वो स्वयं ब्रेन ही बना रहा है, ब्रेन के नियम ही बना रहा है, इसलिए उसमें 98% काम उसके अंदर ही हो जा रहा है। जो कर्मेंद्रियां हो रही है यहां से यहां, मैं परसों संकेत भैया को मिला, कोई एक बुक लिखी थी तो उसके लिए कुछ एब्स्ट्रैक्ट लिख के, कोई किसी को पेपर लिखना है, हमको को-ऑथर बना दिया, तो कर परसों में आ नहीं पाया था दोपहर को, तो नाटा जी मिले, बोले नहीं आए, तो बोला मैं श्रम कर रहा था। बोला क्या श्रम? बोला इधर से इधर तक श्रम हो रहा था मेरे कर्मेंद्रियों का, बाकी सब मेरे अंदर है। ये भी तो श्रम होगा ना यार, एक आदमी स्वेटर बुन रहा है तो इतना ही है ना श्रम, कि ऐसा बुनेगा नहीं ना, हम इसी को श्रम मानेंगे, वो फावड़ा निकाल के ऐसा मारा, पूरा पसीना बह रहा उसका, तब श्रम। ये तो कुल मिलाकर इस टाइप की चीजें हैं। तो ये सब क्या है, हमको इस दर्शन के तात्विक मुद्दों को समझने से ही आता है, नहीं तो उसमें हमारी कल्पना दौड़ेगी। ये समझ में आता है, हमारी मान्यता उसमें जुड़ेगी। ठीक, वैसे ही बाहर कोई ना कोई व्यवस्था रहेगी रहेगी, है ना। आप इंडिया में पैदा हो गए तो यहाँ की एक व्यवस्था है, तो रोड पे थूक सकते हैं। यदि सिंगापुर में पैदा होके अध्ययन कर रहे तो वहां थूक नहीं सकते, थूकने से फाइन लगेगा। यहाँ देखा सब जगह लाल पीला करके, लाल ही होता है, पीला तो होता नहीं, थूक। पूना में तो इतना थूकते हैं, वो लाल पैर रखने का जगह ही नहीं रहता रोड पे, वो एक पूड़ी रहता ऐसा ऐसा करता है, ऐसा खोल के अंदर डालता है, फिर पिच 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 पिचकारी मारते हुए जाता है लिफ्ट के अंदर लिफ्ट के बाहर, पूरा लाल। गुजरात भी ऐसा ही है, गुजरात जाके अब हर जगह लाल। ठीक है ना, तो ये सब बाहर संसार में होगा ही। राजकोट में बहुत सारे हैं पादुकान, अभी मैं अध्ययन शिविर के लिए गया था, एक वो अध्ययन बिंदु अवलोकन वाला बुक हम किए, बट एक चौथा ही कर पाए, एक तिहाई किए 12 दिन में। वो पूरे दिन लोग चाय पीते रहते हैं, गाढ़ा चाय बनाते हैं पूरे दिन, और वो चाय पता है क्या है, वो गैस पे नहीं बनता है, वो कोयले में उबलता है, और उसकी जो एक हवा देने की मशीन होती है जो इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड होती है, और वो मेड इन राजकोट होता है, मशीनें वही लोग बनाते हैं, राजकोट लिखा रहता है, वो उसको हवा फेंकता रहता है और नीचे से भट्टी जलते रहता है। ठीक है ना, और छोटे छोटे कप और सॉसर होते हैं, हर आदमी लगभग आधे घंटे में चाय पीता है पूरा राजकोट। तो मैं खड़े होकर देख रहा था, तो लोग ऐसे मोटरसाइकिल से आएंगे, हेलमेट निकालेंगे, और वो उसको कुछ बोलता है गुजराती में, तो सॉसर में चाय लेता है, ऐसा करेगा, देगा 5 रुपए, देगा चले जाएगा, ऐसे लोग आते जाते ऐसा करके चले जाएंगे, जैसे पानी वो कर रहे हैं। तो बाहर की व्यवस्था अपने हिसाब से रहेगी, उसी की आदतें हमारे अंदर रहेंगी, और कहां से आएगा, हमारा आसमान से थोड़ी टपकेगा। और ये जो दर्शन में ये जो लिखा है वो आज है नहीं, वो काल्पनिक है, 500 सोपान, 600 सोपान, 500 सोपान, कहीं दिखता नहीं, कुछ नहीं, हमारे खोपड़ी का वो है। फिर वो दर्शन के अनुरूप है कि नहीं वो भी हमको नहीं पता, क्योंकि हम तो अभी श्रवण में ही है, वो प्रतीत हो गया ऐसे तो है नहीं। ठीक, तो कार्य होता रहेगा, समाज की अपनी स्थिति होगी, उसकी अपनी सिस्टम्स होंगे। मैं अध्ययन कर रहा हूँ, टैक्स नहीं भरूंगा, मानवीय व्यवस्था में टैक्स नहीं होता, ऐसे थोड़ी होगा, टैक्स भरना पड़ेगा, पकड़ के अंदर कर देंगे।
राइट। तो अब उस अभी के सिस्टम्स को पालन करना पड़ेगा। दीपावली में आपको नहीं बनाना है, आपके बीवी को बनाना है, आपको करना है, ठीक है ना। अभी के सभ्यताओं में जाना पड़ेगा, विवाह में जाना पड़ेगा, ये सब करेंगे। बाहर की दुनिया वैसी चलती रहेगी, उसको देखने का हमारा दृष्टि बदलेगा बेस्ड ऑन हम उस सॉफ्टवेयर को कितना पचा पाए। ये पाचन यदि बंद हो गया यहाँ, उसका आउटपुट बंद हो जाएगा। तो दृष्टि तो कुछ स्थूल चीजें बदल देंगे हम। कोई आदमी अपना नौकरी छोड़ देगा, ऐसे मैं छोड़ दिया, मैं पहले भी छोड़ दिया था, फिर वापस छोड़ा, दो बार छोड़ा हूं, बट ये स्थूल परिवर्तन है, राइट। पहले हम भ्रमित और एम्प्लॉयड थे, अभी हम भ्रमित और अनएम्प्लॉयड हो गए, इतना ही शिफ्ट हुआ। क्योंकि भ्रम जो है यह अध्ययन पर डिपेंडेंट है। हाँ, समय हम इसके लिए निकाले, ये एक अलग उद्देश्य, छोड़ने पकड़ने से कुछ होगा नहीं, ठीक। वैसे ही सभ्यता, विवाह में जाना, तो ये वाली चीज, जीने वाली चीज रुकेंगी नहीं। ये पूरा दर्शन वाद शास्त्र पचके, कम से कम ये जो 12 बुक, इसके लिए हम देखेंगे तो 12 बुक्स एंड रेकमेंडेड है 600 आवर्स ऑडियो, जो इतना आई वुड से कि बेसिक सिलेबस है। ये 12 बुक में घुसने के लिए फिर 3 बुक हैं, अभी चौथा बुक आएगा, जीवन विद्या एक परिचय, सह अस्तित्ववाद एक परिचय, एक अध्ययन बिंदु अवलोकन और एक जीवन विद्या पाठमाला, ये घुसने के लिए है एंट्री, ठीक। फिर आप 12 बुक से गुजरोगे, फिर निकलने के लिए अध्ययन विधि है, अभी जो दिया 98 पेजेस अध्ययन विधि पार्ट 1, फिर पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 है, ऐसे जाते जाते और 6-7 पार्ट आएंगे आगे अध्ययन विधि, और उसके लिए फिर और सूक्ष्म जो वो है वो सब मनन में काम आएगा। बट अभी के लिए आपके लिए इतना पर्याप्त, ये 98 पेजेस पर्याप्त जो दिया है, इट विल टेक यू टू गुड लेवल ऑफ शास्त्र अध्ययन। इसको पहचान के क्या फाइनली शास्त्र अध्ययन का आउटकम क्या है, कि हमारे अंदर समझने की वस्तु और जीने की वस्तु, अर्थ का, निष्कर्ष का स्थिरता, ये मैंने जो बोला मकड़ी का जाल पूरा स्पष्ट हो जाएगा। इसमें पहले ये जाल बनेगा बट इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स रहेंगे, कुछ कुछ भाग क्लियर नहीं है, शिष्ट मूल्य पर सोचा ही नहीं, याद नहीं है, फिर ये याद करता हूं तो वो भूल जाता हूं, समाजशास्त्र में क्या लिखा है भूल गया, इसमें क्या लिखा है भूल गया। तो शास्त्र अध्ययन पूरा होते होते अधिकार होने का मतलब है कि शास्त्रों पर अधिकार हो गया हमारा, मतलब हम मनन के कगार में हैं या उसमें प्रवेश कर चुके हैं। यदि शास्त्र अध्ययन के अच्छे मैच्योरिटी के स्टेज में है, फिर पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता बोलने के लिए नहीं रहेगी, फिर हमारे उसके इंटेंसिटी के लिए रहेगी, ठीक। तो ये हो गया शास्त्र अध्ययन। तो ये अर्थ पर निष्कर्ष तथा उसमें स्थिरता, क्या क्लियर होना, समझने की वस्तु, जीने की वस्तु, इसी को मैंने फिर वहां खोला था कि ये वो जो 6 सूत्र हैं, ये इस पेज में जो दिया था, ओके, 6 विधि से सूत्रों में अंतर संबंध, काफी हद तक हम क्लियर हो जाएंगे। पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है वो, क्योंकि आगे मैंने मनन होके साक्षात्कार के लिए जाएगा। तो इसी ये जो 1 और 2 है, इसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ये शब्दों का वर्गीकरण दिया है, वो प्रिंट में भी है कि हाउ डू यू अप्रोच, यहां तक आप कैसे जाओगे, तो सर से जाओगे कि पैर से जाओगे, ये खोपड़ी है उसका, सर को स्पष्ट करो, इसको इसी क्रम से जाओगे तो फिर पूरी वस्तु एक से जुड़ी एक, एक से जुड़ी एक मिलेगी। फिर यदि हम ये पूछेंगे कि भाई ये शब्द, ये फिर भी इसमें कनेक्टिविटी क्लियर नहीं हो रहा, उसके लिए वो अवलोकन बुक है, ठीक है ना। ये हो गया, तो एक घाट तक हम आएंगे, फिर हमको इस पर क्लैरिटी, ये जो 6 टाइप्स ऑफ सूत्र है, न्याय धर्म सत्य वस्तुगत सत्य वस्तु सिद्धि सत्य, ये सब में अंतर संबंध स्पष्ट स्पष्ट होके ये समझने की वस्तु के रूप में आ जाएगा, और जीने की वस्तु क्या है तो ये उसके लिए ये दिखा है। तो यदि सिंपल विधि से करना चाहते हैं, ये मैंने बोला, यदि टार्जन बनना चाहते हैं तो 6 को एक साथ लेके कुश्ती लगा सकते हैं, मैंने कोशिश किया बट बाल बाल जल गए, है ना। तो हाँ, उसको
यदि पलेटेबल पाचन योग्य यदि करना चाहते हैं तो सिंपल है, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मान्यता पूर्ण आचरण ज्ञान, पर पहले क्लैरिटी आ जाए इसके लिए वो बुक है, वो अवलोकन बुक, वो काम आएगा। वो केवल एंट्री के लिए नहीं है, इसको पचाने के लिए भी है, मतलब घुसने भी देगा और इसका निष्कर्ष भी देता है, टू वे है वो, ठीक है। देन जो अध्ययन या ध्यान देने की जो वस्तुएं हैं वो रूप गुण स्वभाव धर्म इतना ही है। इसको अलग अलग जगह बाबा जी ने कैसे बोला है, क्या होता है जब हम बुक पढ़ते हैं हमारे अंदर कोई जिज्ञासा होती है किसी एक क्षेत्र का, तो जब हम बुक को पढ़ते हैं तो उस जिज्ञासा के अर्थ में ही उन्हीं चीजों को ढूंढते रहते हैं। जैसे आपको 8 सोपान में क्या लिखा है, वो आप फिर, या न्याय का मतलब क्या है, तो हम न्याय ही देखेंगे, मानवहार दर्शन, कर्म दर्शन, काश हमारा जिज्ञासा। अभी एडवांटेज होगा कि ये बुक्स जो है वो सर्चेबल हो गई है OCR स्कैन करके, सो यू कैन सर्च, आप कंप्यूटर पे डालो सर्च करके फेंक देगा। कहा वो टाइम पे नहीं था, पलटते रहो आगे पीछे पलटते रहो आगे, और यूनिकोड बुक्स आ जाएंगी तो उसकी सॉफ्टवेयर बन जाएगी, तो सॉफ्टवेयर में डालो फेंक के वापस लाएगा, 2-4 साल लगेंगे उसमें, बट वो काम चल रहा है। अब कल किन्नी से बात हुई है कि वो ऐप में बुक को डाल दिए, तो उसको आप वो ऑडियो बटन डाल दो, वो बोलता जाएगा ऐप बुक को, वो ऑडियो बुक के डब पे डाल, आप अपना कपड़ा धो रहे हैं और बुक चल रहा है, हियरिंग से हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं पढ़ने में दिक्कत होती है, सुनने से ज्यादा होता है, हर का डिजाइन अलग है। ये जितनी भी चीजें हैं सब इसके स्टेज के हैं, है ना, ठीक। तो ये समझने की वस्तु, फिर जीने की कुछ वस्तुएं हैं, ये जो लिखा है जीने की वस्तु, ये समझने का वस्तु है। केवल ये करने से नहीं होता, इसके साथ रूप गुण स्वभावधर्म को जोड़ के अस्तित्व दर्शन में भी रूप गुण स्वभावधर्म, जीवन ज्ञान के अर्थ में रूप गुण स्वभावधर्म क्या है, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान में रूप गुण स्वभावधर्म क्या है, उसका ज्ञान और व्यवहार, ठीक, तो वो कनेक्ट होगा। फिर पता चलेगा कि रूप और गुण ही जीने में आता है, तो जीने की वस्तुओं में देखेंगे, है ना, तो ये सारी चीजें दिखेगी। ये मैं अपडेट करके भेजूंगा, थिंग्स टू लिव, तो व्यवहार, व्यवस्था, परंपरा, ये सब जीने की वस्तुएं हैं, ठीक। वो जो 8 खंडों में या 8 वर्गों में शब्दों को डाला है उसको यहाँ कोरिलेट कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज आप ये कर सकते हो बाद में। वो जो 8 है उसमें से कौन सा पैकेट इस ग्रिड के कौन से हिस्से मिलता है उसका मैपिंग करके देखना, ठीक। तो ये जितना भी करेंगे फिर इसमें हमारा ग्रोथ कैसा होगा, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। ये भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति क्रम में होगा। तो जब भी हम समझते हैं तो या तो भास हो सकता है या आभास हो सकता है, या हमको लगता है हम समझ रहे हैं या समझ गया, या प्रतीति भी हो सकता है, उसका हमारे अंदर निरीक्षण होगा। करते करते एक समय में इसकी स्थिरता बन जाएगी, फिर हमको लगेगा मैं दर्शन को तो समझ गया, इसके बाद मनन का सही क्रम शुरू होता है। मनन में क्या होगा, ये जो भाषा और तर्क बना है ये भाव रूप में हमारे में स्थिर हो जाए और उसके अर्थ में हम केंद्रित हो जाएं, तो हम उस श्रवण के रूप में हो जाएं, ये मनन का मतलब है, श्रवण को प्राप्त करने के लिए, मनन स्वरूप में स्वयं होने के लिए। तो जीवन क्रियाओं का निरीक्षण करेंगे, जीवन क्रियाओं को समझेंगे, है ना, व्यवहार के नियमों को अपनाएंगे, उसको जी कर देखेंगे, ये व्यवहार अभ्यास। व्यवहार के नियम का भाषा मात्र से जीने में तो नहीं आएगा, उसका केवल वो स्वधन को स्वावलंबन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, बट जीने देना, जीना का अर्थ जब तक हमको ग्राह्य नहीं होता है संपूर्ण रूप से, वो प्रैक्टिस भी कैसे करेंगे, नहीं होगा। अध्ययन विधि में आइडियली ये सारे प्रोसेस में बहुत सारे हमारे आसपास मानव, देव मानव, दिव्य मानव होने चाहिए, आज नहीं है, हम जब वापस पैदा होकर आएंगे कभी तो रहेगा, अभी नहीं है, ये शरीर यात्रा में तो इस काल में तो नहीं है। तो ये हो गया मनन, है ना, तो मनन में क्या होगा, यही जीने वाली चीज आएगी, अब ये स्थिर अभ्यास के रूप में आएगा, 1 2 3, इसकी तृप्ति भी मिलेगी। जैसे अभी हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, ठंडी लग रही है, गर्म पानी से नहाया, अच्छा लगता है कि नहीं, अच्छा तो लगता है। मनन करते समय भी गर्म पानी से नहाओगे तो भी अच्छा लगेगा, बोध में भी गर्म पानी से लाओगे अच्छा लगेगा, अनुभव के बाद भी गर्म पानी से लाओगे अच्छा लगेगा, तो वो सेंसेशन तो वैसे ही रहेगी,
लेकिन उसकी जो इंपॉर्टेंस है या प्राथमिकता हमारे लिए स्थिर होगा। अभी गर्म पानी में नहाने के लिए ही पूरा जुगाड़ में कर लू, वो है भोगवाद। उससे भी गंदा तुम्हारा गर्म पानी छीन लू, ठीक है, ये समझ में आता है। तो जीना कहीं रुकेगा नहीं, ये वाली चीज बनती जाएगी। तो मनन का मतलब है, बोलिए, श्रवण के अर्थ को प्राप्त करना, स्वयं होना। हेलो, ठीक है, मेरी ओर से तो हो गया ओवरव्यू। या सबसे शुरुआत में वो जो शब्द का अर्थ है वो कल्पना में आना, वो भास। हाँ। फिर वो जो शब्द का अर्थ है वो अस्तित्व में स्वीकृत हो, मतलब स्वीकार हो जाना, अस्तित्व में वस्तु रूप में स्वीकार हो जाना, वहां से श्रवण चालू होगा। श्रवण तो शब्द के अर्थ कल्पना में आने से ही शुरू हो गया। नहीं, मतलब वो आभास वाला चालू होगा स्टेप। वो आभास तर्क का प्रयोग होना, तर्क जुड़ने से आभास, नहीं तो नहीं है। एक और था कि शब्द का अर्थ का अस्तित्व में वस्तु रूप में स्पष्ट होना, वही तर्क, वही अस्तित्व में वस्तु रूप में समझ आना, वो प्रतीति हो गया। तो वही लास्ट में एक बार आया था कि मनन में न्याय धर्म सत्य निष्कर्ष रूप में आ जाता है। तो वो मतलब कि अर्थ का अस्तित्व में वस्तु रूप में समझ आ जाना। नहीं, देखिए, निष्कर्ष तो अभी भी है आपके पास। एक निष्कर्ष है कि अभी जैसे दुनिया जी रही है वैसे नहीं जीना है, झगड़ा नहीं करना है, ये सब तो निष्कर्ष है ही ना। तो निष्कर्ष के स्टेजेस हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ये समझने के स्टेजेस हैं, भास, आभास, प्रतीति। निष्कर्ष आपका भास भी हो सकता है, आभास भी हो सकता है, प्रतीति भी हो सकता है। आभास के परिभाषा में अर्थ संगति के लिए तर्क का प्रयोग होना आया है। पहले तर्क का प्रयोग होना पड़ेगा, उसका कुछ एग्जाम्पल्स दिया मैंने, ये जो अलग अलग प्रकार के वस्तुएं हैं इनके बीच में अंतर संबंध है ना, विहार और आहार में अंतर संबंध, ये सब तर्क ही है। अंतर संबंध ही तर्क है। अंतर संबंध स्पष्ट, हाँ, अंतर संबंध तर्क द्वारा स्पष्ट होता है, तर्क के प्रयोग द्वारा। और वो स्पष्ट जैसे होगा तो वो स्थिर होता है, पुनः वो अस्तित्व में, तो अस्तित्व में वस्तु की आंशिक स्वीकृति, ये आया था ना इधर परिभाषा, अपन अपन किए थे। तो स्वीकृति सीधा प्रतीति में नहीं जाता है, आंशिक स्वीकृति था। उसी आभास में परिभाषा था कि शब्द का जो अर्थ है उसका अस्तित्व में वस्तु रूप में स्पष्ट हो जाना तर्क संगत विधि से, उसके बाद समझ आ जाना, अस्तित्व में वस्तु रूप में समझ आना। वही अभी श्रवण होना भी हम समझ होना ही मानते हैं अभी। हाँ, सभी में समझ ही है, ना समझ तो कुछ है नहीं ना, समझने के स्तर हैं ये। अभी जैसे अभी 5 महीना हो गया, आप लोगों को क्या लगता है, कुछ समझ में आया कि कुछ भी नहीं समझ में आया? क्या माना जाए, आप लोगों को बोध हो गया, बट आप, हम उसको एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं कि हमको कुछ समझ में आया? ऐसा लगता है कि पहले कुछ भी नहीं था, अभी कुछ तो आया। और ये जो कुछ तो आया ये अंतिम लगता है, ऐसा तो पता चलेगा कि इससे आगे भी कुछ होगी, ये तो अनुमान ही है। वो आगे क्या है वो पुस्तकों में लिखा है, एक। फिर दूसरा कोई एक आदमी दिखता, हमको लगता है कि यार ये तो मेरे से बहुत आगे है, इसका मतलब मैं पीछे हूं। दोनों होगा, पुस्तकों से भी पता चलेगा, सामने आदमी भी चाहिए। जीता जागता आदमी, जैसा हमको लगता है मैं पुस्तकों को समझ लिया, फिर हम किसी को सुनते हैं यह स्पर्धा में चले जाओगे, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। दोनों में से एक होगा, मगर आगे है ये तो दिखेगा। यदि आगे है ये भी नहीं दिखता है तो घोर भ्रम में हो। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है शादी कर लो, फिर पत्नी बता देगी तुम ज्यादा नहीं समझते हो, है ना। विवाह का एक बहुत बड़ा ही एडवांटेज, जो लोग विवाह के आयु के हैं, बाकी आप लोग छोटे हैं, छोटे लोग भी बैठे हैं, बहुत टाइम है, पर ऐसा है। पर आइडियली जागृत व्यक्ति या पूर्ण जागृत व्यक्ति होना सर्वाधिक आइडियल है। जो लिखा है अस्तित्व में आंशिक
आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति और नीचे में लिखा है अर्थ अस्तित्व में स्वीकृति, ऐसे करके अस्तित्व में वस्तु रूप में स्वीकार होना। ये स्पष्ट, ये जो स्पष्ट तथा स्वीकार होना है, ये जब आभास के स्तर पर व्यक्ति एक्सपीरियंस करेगा उसको स्पष्ट एवं स्वीकार दिखेगा। ये जो परिभाषा है ये बोध संपन्न व्यक्ति दे रहा है। अनुभव संपन्न व्यक्ति जब अपने अनुभव को देखता है तो उनको क्या दिखेगा, अस्तित्व संपूर्णता की पूर्ण स्वीकृति हो चुकी है। वो जब बोध को देखेंगे अस्तित्व की प्रयोजन सहित स्वीकृति हुआ है। वो जब आभास को देखता है तो अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति दिखता है। वो जब भास को देखेंगे उनको क्या दिखेगा, अस्तित्वपूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति हुआ है उसको। ये जो ऊपर परिभाषा दिया है ये अनुभव मूलक, मतलब एंड पॉइंट से जब आप देख रहे हो, इट्स लाइक आप टेंथ पहुंचते हो तो कैसा लगता है, दसवीं का एग्जाम हो गया। फिर आप किसी के घर जाते हो, अंकल पोस्ट डॉक्टरेट, तो अंकल मैंने मेरिट लिस्ट में आ गया, बहुत अच्छा बेटा। वो है भास, उसको लगता है मैं बहुत बड़ा तोप मार लिया, 10 साल पढ़ा और मुझे पूरा 10th मैथमेटिक्स आ गया, सिलेबस आ गया, मैं क्लास टॉपर हो गया। और जो पोस्ट डॉक है वो जब देखेगा उसको क्या दिखेगा, ये भी 10वीं में है और कूद रहा है। बराबर ना। फिर एक दिन 10वीं वाला खुद 12th में आएगा और लौट के अपने 10वीं के उसको देखेगा, बोला कैसा बच्चा था यार, मैं उसमें कूदर था। ये है सच्चाई। फिर वो अंकल के पास जाएगा, फिर अंकल बोलेगा बहुत वेरी गुड। अर्थ अस्तित्व में वस्तु के रूप में समझ आना ही प्रतीति है, ऐसा दिया है। तो भी समझ आना का बोल रहे हो, 4 स्टेप में भाषा भास प्रतीति अनुभूति, वही तो समझ का तीसरा स्तर है वो। उसमें अर्थ अस्तित्व में वस्तु के रूप में समझ आना, तो प्रतीति की वस्तु क्या है वो सोचना पड़ेगा। जो साक्षात्कार की वस्तुएं है वो समझ में आना। जैसे अभी आपको जैसे व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व क्या है, परिभाषा क्या है, 5 महीना हो गया, सबसे इजीएस्ट परिभाषा, आहार विहार व्यवहार बराबर व्यक्तित्व। 6 महीने पहले आपको ये पता था क्या, आहार विहार व्यवहार बाहर व्यक्तित्व नहीं पता था, आज पता है। तो क्या मानेंगे आपको, प्रतीति हो गया, आभास हो गया, भास हो गया, कि कुछ भी नहीं हुआ, सूचना मिला है, ये पठन से आपके स्मरण में आया है। अभी आप सोचे ही नहीं है ये आहार विहार व्यवहार व्यक्तित्व का मतलब क्या है, सोचे हैं कोई नहीं है। सोचने के पहले नेक्स्ट बुक आ जाता है। आप आहार विहार व्यक्तित्व तो सोच रहे हो, अर्थशास्त्र शुरू हो गया, चलो यार अर्थशास्त्र शुरू हो गया, फिर किचन की घंटी बज गई, फिर बोलते घास, या घास काटते श्रम नहीं है क्या अभी सत्र में, मेरा यह प्रस्ताव था मैं, ठीक है आप संकेत, कम से कम ये जो नौजवान है ये तो करें, करते हैं किया है? बहुत सारा किया ना, स्वैच्छिक है इनको तो, कम अनमेरिट को तो करना ही चाहिए, शुड बी कंपल्सरी, नहीं तो ऐसे भटकेंगे, नहीं तो फोन पे टाइम जाएगा। वैवाहिक तो लोग तो ठीक है, मियां बीवी बात करते रहेंगे वो सार्थक है, ये किससे बात करेंगे। नहीं कुछ होता है, कपड़ा धोना होता है, चाय बनाओ, कुछ रहता है गृहस्थी का एक गोष्ठी करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पठन से स्मरण। फिर आपको शोध करना है, शोध करके आहार विहार व्यवहार व्यक्तित्व का मतलब क्या है, वो जुड़ेंगी, वो कुछ कल्पना में आएगा, फिर सोचेंगे फिर सोचेंगे फिर सोचेंगे। तो ये आभास हुआ, ये साक्षात्कार के लिए नहीं जाएगा। तो प्रतीति में जो नाम से इंगित साक्षात्कार की वस्तु क्या है, साक्षात्कार का परिभाषा क्या है, अस्तित्व में नाम से इंगित वस्तु स्पष्ट होना। तो मैं बोलता हूं ये गधा है, आपने गधा को देख लिया, क्या बोलेंगे, गधा का साक्षात्कार हो गया जीवन में, चिंतन में स्पष्ट हो गया ना, अस्तित्व में नाम से इंगित वस्तु गधा, गधा देख लिया, बेटा ये गधा है,
क्या मानेंगे, उसको साक्षात्कार मानेंगे, क्या मानेंगे? हाँ वही तो, गधे का स्वभाव धर्म साक्षात्कार होने का क्या मतलब है? यही सब शोध है ना, अभी अपन उसमें नहीं जाएंगे। तो उसमें आपको एक हिंट दिया कि ये जो, इसीलिए ये छह जगह से जो हम अपना कॉन्सेंट्रेशन करते हैं यही सब साक्षात्कार की वस्तु है। इसमें गधा घोड़ा कुछ दिखता है, कुछ है इसमें गधा घोड़ा, आहार विहार व्यक्तित्व कुछ है? कुछ नहीं, ये साक्षात्कार की वस्तुएं हैं। तो हमारे अंदर शोध होगा, क्या शोध होगा? ये वस्तुएं क्या है जो साक्षात्कार होती है, कौन सा वस्तु है जो चित्रण में आता है, कौन सा वस्तु है जो विचार में आएगा, कौन सा वस्तु है आस्वादन में आता है, कौन सा वस्तु है बोध में आता है, कौन सा वस्तु अनुभव में आता है, ये शोध। ठीक, ये शास्त्र अध्ययन के किसी स्टेज में प्रारंभ होगा, मनन में जाके ये गति पकड़ता है, अलग हो जाएगा सब, साक्षात्कार की वस्तु अलग, बोध की वस्तु अलग। अभी भाषा के रूप में है, फिर अर्थ के रूप में आ जाएगा मनन में। जी माइक 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 यूज कर लीजिए, आवाज मेरा यहाँ 13% और यहाँ 8% कान सुनाई नहीं देता है। जैसे भैया लक्ष्य जागृति है, ये स्थिर होने, ये मैंने स्थिर शास्त्राभ्यास पूर्वक होगा या स्थिर करके शास्त्राभ्यास होगा? करते हुए होगा, ये सब पूर्व संस्कार पर निर्भर करता है। किसी का अभी लक्ष्य जागृति है इतना यदि प्रिसाइसली पूछोगे तो कोई कोई का होगा पहले से ही, तभी तो वो दर्शन ढूंढेगा। उससे कम का लक्ष्य है कि स्पष्टता चाहते हैं, नेक्स्ट ग्रेड का जिज्ञासा, पूर्व संस्कार। उसका कम ग्रेड का जिज्ञासा है कि कुछ संसार की जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है ना, या दुख से मुक्ति हो जाओ, मेरा आचरण ठीक नहीं है। उससे कम का है कि सुखी हो जाओ। तो इसकी ग्रेड्स को देखेंगे तो मोटा मोटे तो ये या तो दर्शन पढ़ने के पहले से रहेगा या पढ़ते हुए बनेगा। लक्ष्य ग्रेड्स नंबर वन जागृति क्या मोक्ष, नंबर टू समझ समाधान, नंबर थ्री प्रयोजन परार्थ, सोशल गोल, नंबर फोर ऐसा है इंटेलेक्चुअल गोल में ऑल्सो, ये इसके बैंड में, इस रीजन में, और एक सब गोल इधर लिख देता हूं। इंटरनल प्योरिटी, स्वयं की पवित्रता, ये चार टाइप के लोग हैं। अभी हैं कि नहीं ऐसे चार टाइप के लोग दुनिया में? नहीं लगता है हुँ? अब इसमें इसको बोलते हैं स्वार्थ, ठीक, इसको बोलते हैं परमार्थ। अभी जो स्वार्थ है ये दो विधि से है, एक नैतिक विधि से स्वार्थ, एक अनैतिक विधि से स्वार्थ, दोनों है। एक ऑनेस्टली जीता है, एक डिसऑनेस्टली जीता है, और उसके छोटे छोटे फिर
दृष्टि विषय स्वभाव, फिर और माइक्रो क्लासिफिकेशन करेंगे तो बहुत सारे बनेंगे। एक आदमी जैसे पोस्ट ऑफिस में काम करता है, आपकी चिट्ठी घर पहुंचाता है, बदले में सैलरी रहता है, जीता है, वो बच्चों का फूल बलता है, ले दे के उसका महीना चल रहा है, वो कोई समाधान कोई मतलब नहीं है उनको, है ना। ओ ओ ओ ओ और एक आदमी है पोस्ट ऑफिस में जीते हैं, है ना, आपको पोस्ट देने का रिश्वत मांगता है, एक आधा स्टेपलर पेन चुरा लेता है, ठीक, ये बड़ा ही एक बंडलबाजी स्कीम बनाते हैं पैसा कमाने का। पोस्ट ऑफिस में 15% का इंटरेस्ट दे रहा है और उसका फर्जी जो है पोस्ट ऑफिस का वो छाप के बेचता है, ये अनैतिक। दोनों स्वार्थ हैं, दोनों परिवार के लिए कर रहा है, एक नैतिक एक अनैतिक, ठीक। तो सुख शांति, सुख शांति चाहने हैं, फिर यहाँ पर शांति, सुख शांति संतोष की आवश्यकता, फिर वो सोशल या थोड़े बड़े व्यवस्था स्तर, फिर उसके बाद मैंने इंटेलेक्चुअली सॉल्व करने का, फिर जागृति और मोक्ष कामी लक्ष्य, ऐसा ब्रॉडली ऐसा है ना लक्ष्य के रूप में। बट प्रत्येक इसमें होगा मानवीय अमानवीय, इसको और सब क्लासिफिकेशन करना चाहेंगे तो अमानवीय मानवीय प्रवृत्ति, यह है प्रवृत्ति, ठीक। तो ये जो भी घंटी बज गया लंच का, रोक लेते हैं इसको, बट दिस इज वन, है ना, लक्ष्य के आधार पर क्लासिफिकेशन, लक्ष्य के साथ सेकेंड इज प्रवृत्ति का क्लासिफिकेशन इन ईच। ये ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं अपन, स्टार्टिंग नहीं, दोनों में आएगा, मानवीय विधि से स्वार्थ में है, अमानवीय विधि से स्वार्थ में। एक आदमी खेती किसानी कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है सबसे, अपना घर बार तक है, ठीक है, मेहनत कुछ भी, पोस्ट ऑफिस में, इसमें, एयर होस्टेस है, बहुत मेहनत करते हैं एयर होस्टेसेस, सोने नहीं मिलता है पूरे दिन लोगों का, झूठा प्लेटने का क्या मुश्किल काम है। हाँ, मानवीयता के अर्थ, अब ये मत, मानव चेतना नहीं है ये, अपन प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं, पूर्व संस्कार की बात, ठीक है ना। और थर्ड डायमेंशन उसके जीवन में क्षुब्धता, सो एक हो गया लक्ष्य, दूसरा हो गया प्रवृत्ति, तीसरा हो गया, इन तीनों में कोरिलेशन है जीवन क्रिया की जागृति का स्तर, ठीक है ना। इसमें एक बुद्धि क्षुब्ध मानव मिलेगा जिनका चित्रण क्रिया विकसित हो गया है, एक चित्त क्षुब्ध मानव मिलेगा जिसका वृत्ति का विश्लेषण क्षमता विकसित हो गया है ना, और एक वृत्ति क्षुब्ध मानव होगा जिसका मन से है, मन क्षुब्ध जनरली होता नहीं, बहुत रेयर है ये तो पशु ही है मोर और लेस, दारू पीने के बाद आदमी का मन शुद्ध हो जाता है इसलिए अपराध करता है। एक है ना, एक बढ़िया वाइस प्रेसिडेंट, वो भी वेल्स फार्गो, वेरी बिग इंश्योरेंस एंड बैंक, बेचारा अमेरिका गया, कोई मीटिंग अटेंड किया, वापस आते समय 4 विस्की पी लिया और उसका मन शुद्ध हो गया, वो अंधेरे में गया, खड़े होके किसी पर पेशाब करके वापस आ गया, उसकी जान ही ले रहे हैं लोग बेचारा, अरे उसकी तो इतनी बेइज्जती कर रहे हैं लोग, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं वो, जबकि अच्छा वह है, देखिए स्वार्थ नैतिक एज लॉन्ग एज यू इज नॉट स्टीलिंग, अनुमोदन विधि से अनैतिक है, हम आर्ग्यू कर सकते हैं बैंक ने होना चाहिए, शोषण कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। अब अभी जैसे प्रधानमंत्री इंश्योरेंस योजना, सारे भारतीय उन एक एक दो दो लाख का मिल रहा है, तो किसी को तो इंश्योरेंस पॉलिसी बनाना पड़ेगा ना, बराबर, तो वो नैतिक स्वार्थ, ओके, उसके साथ इंटेलेक्चुअली भी मतलब कुछ तो सोचता होगा, बढ़िया बढ़िया बुक्स पढ़ता होगा, वीपी हो गया है ना वेल्स फार्गो में उसका चित्रण तो विकसित ही होगा, तभी वाइस प्रेसिडेंट बना, नहीं तो नहीं बन सकता, ग्रोथ ही नहीं होगी, और दारू पिया मन शुद्ध हो गया मर गया
बट ब्रॉडली ये तीन जगह हम देख सकते हैं पूर्व संस्कार के। तो जब हम इसमें प्रवेश, अच्छा इसमें फिर और टुकड़े 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 आएंगे, प्रवृत्ति है ना, इस प्रवृत्ति या स्वभाव है ये। ओके ओके, इसमें फिर दृष्टि लक्ष्य दृष्टि के साथ भी जुड़ जाएगा, और इसके छोटे छोटे फिर लाभ प्रिय हित का अलग 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 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं हम इसमें। ये तीन के ग्रिड के साथ इसमें दृष्टि को जोड़ लिया है ना, प्रिय हित लाभ या न्याय धर्म सत्य को, तो फिर एक वो बनेगी। इतने शेपन्स है इसका मानव है, ये तीन डायमेंशंस में चार चार हैं, राइट, तो 4P3 इतना परमिटेशन बनेगा उसका। ठीक है, ओके रोक लेते हैं। तो ये हम अध्ययन में आने के साथ यदि हमारे अंदर कोई छुपी हुई जो भी लुप्त कोई वो है वृत्ति या कोई एक जो भी मैं उसको हिंदी में शब्द ढूंढ रहा हूँ, बार बार इंग्लिश में शब्द आ रहा है मेरे खोपड़ी में, पुणे जाने के बाद इतना इंग्लिश हो गया हिंदी पीछे जा रहा है, अब मैं हमारे कॉन कॉल में भी बीच में इंग्लिश निकल रहा है, मेरे पहले वही था इसमें आके हिंदी हुआ फिर उधर गया फिर वो आ गया है ना। प्री डिस्पोजिशन बोलते हैं जो हमारे अंदर लेटेंट शब्द का मैं वो देख रहा था, लेटेंट में जो होता है लेटेंट आप समझते होंगे, वो जग जाएगा कई बार नहीं बनेगी, हम सोचे ही नहीं थे समाज कैसा होगा उत्पादन, और बाबा जी बोल दिया सब हमारा भी जीवन वहां तक पहुंच गया फटफट, बहुत फास्ट प्रोसेस है ये। किसी को लेन देन ही नहीं रहती है समाज और संविधान, वो सब पढ़ता है सोचता है संविधान के बारे में नहीं, व्यापक के बारे में कितने लोग सोचे पहले, कोई नहीं सोचा। रोक ले, कल आते हैं, कल मनन से शुरू करते हैं। बट आई थिंक हम शुरू करने के पहले मेरा ये वो होगा, सुझाव होगा आपको कि श्रवण तक पूरा इसको पढ़ लीजिए, और वो जो समार 2 का जो आपने अध्याय 3 पढ़ा मेरे अनुसार इतना पर्याप्त है, अभी आप जहाँ पर हो मनन में जाने की आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि उसको और भी तुम्हें दे ही चुका हूँ बिगिनिंग में। तो नाउ वी विल गो टू द बुक, जो लिखा है उसमें जो क्लियर नहीं हो रहा है नोट्स में उसको हम क्वेश्चंस ले लेंगे, समवार 2-1 से नोट्स क्वेश्चंस ले लेंगे, ये खत्म होने के बाद फिर भी यदि अपने पास टाइम बचता है पूरे लिटरेचर से जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको ले लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ से जाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा है ना, इतना अपना वो है ना, फिर मैं अचार बनाऊँ बेचूँ दुकान लगाऊँ गाय खरीदूँ भैंस खरीदूँ ऊँट पालूँ ये सब हम ले लेंगे, ठीक है ना, मतलब आगे क्या करना है दिशा। सो नंबर 1 नोट्स एंड संवाद, 2 चैप्टर 3 सेकेंड फेज में संवाद 2 टोटल, और बुक का जो बाकी पार्ट है ना कुछ भी एनी पेंडिंग क्वेश्चन जो आपका बच गया हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या करना है है ना, ये तो पूरा थ्योरी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से यदि कोई आपके अंदर कोई क्वेश्चंस है उसको ले लेंगे, ये इसमें बुक नहीं लगेगा, ये फ्री फ्लो होगा, ये दोनों में बुक से कर लेंगे। तो इससे अपन मान लेंगे कि एक मोटा जो उद्देश्य इस सत्र का ये पूरा हो गया, ठीक है। बाकी इसका जो बचा हुआ पेजेस है वो पूरा बुक का आप एक दो बार पढ़ लोगे आपके अंदर वो क्वेश्चंस आएंगे कि मनन क्या है, तब उपयोगी है, अभी देने से बहुत वो नहीं है, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां से पूछ नहीं सकते, नोट्स में पढ़ के अब आप पूछो मनन वो तो सब तो दिया है, 98 पेजेस उसमें है, इसमें बचा हुआ 28 पेजेस है पर्याप्त। कितने दिन बचे अपने, 3, 21 तक मैं हूँ है ना, 22 को मॉर्निंग मुझे जाना है, और मैं भैया लोगों से बात कर लूंगा, 22 वेस्ट नहीं जाएगा, पढ़ने के लिए पर्याप्त है, और भी दे दूंगा या सुनने के लिए दे दूंगा, या यदि और आपको और भी बढ़िया है तो भैया को एक वीडियो दे दूंगा, उसको आप बैठ के अध्ययन विधि डायरेक्ट फ्रॉम नागराज जी बढ़िया स्क्रीन में डाल के देखिए, फिर मेरी जरूरत क्या है वो करें। लास्ट 22 को स्क्रीनिंग रखेंगे, मैटनी शो, ओके मॉर्निंग शो एंड देन मैटनी शो, राइट, ये 22 का प्लान हो गया। तो मेरी ओर से इतना, धन्यवाद।